हेलो एवरीवन वन आप वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं सब लोग तो आई एम योर मैथमेटिक्स कोच मनीष कुमार सुमन आप सबका स्वागत है हमारे फोर सेवन के ऑफिशियल चैनल पे बालक आपके कहने पर आपके डिमांड पर मैं लेकर के आ चुका हूं मैट्रिसेस और डिटर्मिनाट का वन शॉट इफ यू आस्क मी की किस तरीके से ये सेशन चलेगा तो मैं हमेशा शुरुआत में बता देता हूँ कि सेशन का जो हमारा मोटिव है चूंकि वी आर टारगेटिंग जेई मेन्स ऑनली तो आई बी टॉकिंग पॉइंट्स जिसके सवाल पूछे जाते हैं ठीक है कंप्लीट डिटेल में होगा कहीं कोई पॉइंट छूटेगा नहीं ये गारंटी है लेकिन जेई मेंस स्टैंडर्ड से ही जेई एडवांस -E की बात करें तो कॉन्सेप्ट यही होता है थोड़ा सा क्वेश्चन में बनाने का क्वेश्चन फ्रेम करने का और क्वेश्चन का जो लेवल थोड़ा ऊपर होता है तो उस तरीके के सवालों को भी हम लोग देखेंगे लेकिन आज इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ मेन मतलब आज का सेशन अगर तीन घंटे चलता है चार घंटे चलता है तो समझ लीजिए कि आपको दो क्वेश्चन पक्का है बना के आ जाओगे ठीक है चलिए एक बार से फटाफट लाइक कर दीजिए सेशन को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कोई भी आपके डाउट्स हैं इस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स को लेकर के कोई भी डाउट है आप यहां पर कमेंट सेक्शन में डालते रहिए आपको क्लियर कर दिया जाएगा सारे डाउट्स को आगे बढ़ने के पहले एक बात और बता दें कि शुरुआत में आपके चुकी डेफिनेशंस वगैरह होंगे आ, बेसिक्स होंगे तो आपको लग सकता है कि सर ये तो बहुत हल्का है देखो कभी भी किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उसका मेन चीज पकड़ने के लिए शुरुआत से जुड़े रहना बहुत जरूरी है तो आप ये मत सोचेगा कि शुरुआत में हल्के हल्के निकल जाते हैं क्या पता किस बात पे कौन से सवाल आ जाए ठीक है चलिए एकदम दोस्त अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो जय महाकाल ठीक है चलिए तो ये आ, मतलब शुरुआत करें वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंस दीज आर आर द पॉइंट्स वी गोइंग टू कवर इस सेशन में जो हम लोग जिस पॉइंट को कवर करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्योंकि पता नहीं ऑप्शंस में कभी किसी मैट्रिक्स का कुछ डेफिनेशन के आधार पर सवाल रह गया तो क्या करेंगे इस सेशन को थोड़ा सा मतलब बृहद बनाना है बड़ा बनाना है तो बड़े पैमाने पे आप बड़े स्तर पे शेयर कीजिए इसको ठीक है ऑफ मैट्रिसेस मतलब जोड़ इसका कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को मैट्रिकुना कैसे करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं और यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे डिटर्मिनाट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी उसका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है उसको ध्यान में रखेंगे एट ज्वाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन दोनों पे सवाल ज्यादा आते हैं इसमें कुछ फार्मूले हैं जिन फार्मूलों को आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है पूरी तरीके से रट लेना है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यहां से आप सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं मतलब लास्ट के जो ये लास्ट के जो तीन पॉइंट है यहां से मोर देन सिक्सटी परसेंट चांस है कि दोनों सवाल यहीं से रहे मोर देन सिक्सटी परसेंट और फिफ्टी परसेंट कह दें एक सवाल इधर से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी हम पक्का है कि आएगा आएगा सर पीडीएफ डायरेक्ट यूट्यूब पर ही अपलोड भाई ये बता टेलीग्राम पे मिल जा रहा है क्या दिक्कत है मैं बोल दूंगा वैसे मैं बोल दूंगा यहीं पे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपने सही बात कही है पीडीएफ हम इसी में आ, ये कर देंगे लेकिन टेलीग्राम पे आप मिल जाता है तो जेई टाटा ट्वेंटी फोर सेवन का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले दें। चलिए शुरुआत किया जाए जाएरी वन यू आर रेडी विद फुल जोश तीन से चार घंटे बैठ जाना है कम से कम तीन घंटे तो लगेंगे लगेंगे और इसके सवालों को और भी हम लोग करते हैं फोर्टी फाइव डेज क्रैश कोर्स का इवनिंग टाइम में जो है आठ बजे का स्लॉट वहां भी आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा मौका प्रिंस आनंद कह रहे हैं ज्वाइंट और इनवर्स मुश्किल लगता है अगर मेरा यहां खड़े होने के बाद भी आपके आ, मतलब कमेंट में यह दिख रहा है तो बिल्कुल ही गलत आप कह रहे हैं ये ऐसा हो नहीं सकता चलिए शुरुआत करते अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इट्स मतलब अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर इन द फॉर्म ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स मतलब हॉरिजेंटल लाइन इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से और ये आपका इसी को मैट्रिक्स कहते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट किसी भी पोजीशन को कैसे बताओगे तो ये जो हॉरिजेंटल वाला है उसका रो नाम दिया गया है और जो ये वर्टिकल वाला है उसको कॉलम नाम दिया गया है ठीक है तो ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया तो किसी भी पॉइंट को बात करूंगा मान लिया ये पॉइंट है तो ये सेकंड रो है और सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम मतलब ये जो है आपका ए जे ये रो के पोजीशन को बताता है और ये कॉलम के पोजीशन को बताता है ये रो के पोजीशन को बताता है पहला रो के पोजिशन को बताता है और दूसरा कॉलम के पोजिशन को बताता है मान लिया अगर आप कहते हैं ए थ्री यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम थर्ड रो और सेकंड कॉलम इस तरीके से किसी भी पोजीशन पे अब आप यहां से ये तो समझ गए होंगे कि कितने बेसिक से चलने वाला है और कितना स्टैंडर्ड तक जाने वाला है तो किसी भी पोजीशन पे अगर जाना है तो वो किसी न किसी रो में होगा किसी न किसी कॉलम में होगा और इस छोटी सी बात के आधार पर आप बहुत सारे सवालों को देखेंगे आई एडवांस में जेई एडवांस में आए हुए सवाल चलिए आगे बढ़ाते हैं ठीक है सारी चीजें हो जाएगी परेशान नहीं होना है परेशान नहीं होना है आई विल कवर एवरीथिंग अच्छा इसका जो रो और कॉलम होता है उसको ऑर्डर कहते हैं तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम ये रो क्रॉस कॉलम ये ऑर्डर होता है आगे बढ़ते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे तो अगर एम क्रॉस एन ऑर्डर का है तो एम इंटू एन एलिमेंट्स होंगे टोटल टोटल एम इंटू एन एलिमेंट्स होंगे रो मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसको रो वेक्टर भी कहते हैं तो रो मैट्रिक्स क्या होगा तो जिसमें सिर्फ रो हो मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है ठीक है वो एलिमेंट एलिमेंट हो हो गया ये हो गया ये और इसका ऑर्डर लिख देंगे इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये है स्टैंडर्ड तरीका लिखने का अगर आप मेरे से पूछो मेरे से बात करो कि भैया ये रो मैट्रिक्स है तो एक ही रो होगा तो इसको वैल्यू आप वन क्रॉस एम करोगे मतलब ये मैट्रिक्स होगा ऐसा ए आई जे वन क्रॉस एम ना रो एक ही होगा कॉलम जितना हो जाए इसी को रो मैट्रिक्स कहते हैं रो वेक्टर भी कॉलम वेक्टर को क्या कहेंगे तो ये ऐसा होगा ए आई जे एम क्रॉस वन नंबर ऑफ कॉलम्स वन ही होगा रो जितना आ जाए ठीक है जीरो और नॉर मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो मैट्रिक्स आप ऐसा ए ए आई जे एम क्रॉस एन वेयर ए आई जे बराबर जीरो ए आई जे बराबर जीरो सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो उसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे नल मैट्रिक्स कहेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कब लगेगा हॉरिजेंटल का मतलब क्या हुआ एम क्रॉस एन इसको हॉरिजेंटल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स कब कहेंगे तो देखिए हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से ज्यादा रहेगा इस तरीके से ज्यादा रहेगा मतलब अगर ऐसा हम कहा, आ, कहा जाए इस तरीके से एक दो तीन एक दो तीन हॉरिजेंटल लग रहा है कि नहीं हॉरिजेंटल लग रहा है कि नहीं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है तो यहां पर आप कहेंगे एम लेस देन एन नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा और यहां पर क्या होगा एम ग्रेटर देन एन नंबर ऑफ रोज अगर ज्यादा है नंबर ऑफ रोज ज्यादा है मान लिया ऐसे कर दिया तो ये लगेगा वर्टिकल है एक रो दो रो तीन रो चार रो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अगर बराबर है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कर लेंगे उसको क्या कह लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कर लेंगे तो ये आपको खुद से समझने की जरूरत है ऐसा नहीं कि शब्दों में बहुत लंबा चौड़ा सा, सा आप लिखा जाए तभी आप समझ पाएंगे हमने क्या बोला हरिजेंटल मतलब इधर ज्यादा रहेगा इधर ज्यादा मतलब ये कॉलम है ना तो कॉलम ज्यादा रहेगा तो इसमें कॉलम ज्यादा है और इसमें रो ज्यादा है क्लियर है बोलिए सही चल रहे हम लोग क्योंकि ये आपको बताना है किस तरीके से लेकर चलना है कहां पर इम्फेसाइज करना है कहां पर मतलब जल्दी से बता के निकल जाना है ये आपको बताना है कमेंट करके कि सर ये सारी बातें पता है फटाफट आप लिख करके चल दीजिए आगे प्लीज डू कमेंट कि किस तरीके से आगे लेके चलना है फटाफट स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है जीरो किसी भी में, किसी भी में, आ एक बात कर लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स में ये ए वन वन ए टू टू ए डॉट 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 ए एन एन इसको आप कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल लीडिंग डायगोनल लीडिंग डायगोनल इसी के समेशन को सिग्मा ए आई आई सिग्मा ए आई आई को कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यस सर यस सर पता है आगे चलिए बहुत बढ़िया ये सब बेसिक ही फ्लो में लाइए ये सब बेसिक है फ्लो में लाइए ठीक है ठीक है ठीक है, है बिल्कुल चलता रहेगा इसी तरीके से ये लीडिंग डायगोनल है लीडिंग डायगोनल किसको कहते हैं जब आई बराबर क्या हो जाता है जे हो जाता है मतलब ये ए आई जे इस एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे जब आई बराबर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा जे हो जाएगा ठीक है बराबर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा जाएगा तो A Aij. ध्यान से देखो, में कैसे लिखते हैं पता है ये मैथमेटिक्स ही है एक मैं सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सुनना चाहिए आगे बढ़ने के पहले मैं ये बात बता दूं। तीन दिन पहले एक मेरे स्टूडेंट का फोन आया मैं यहीं से क्लास लेकर के निकला था तो उसके बाद सर हेलो हम लोग बताइए आप सुनिएगा बहुत अच्छा लगेगा पता है वो कहां से पास आउट है उनका नहीं हुआ था जेई में जेई मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं थे आ, मतलब नहीं मिला उनको कॉलेज और इवन शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है? लेकिन सिर्फ मैथ्स नहीं होता ना भाई फिजिक्स भी होता है। किसी का मैथ्स में भागलपुर तो से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है आपका जो बिहार में है उस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी बीटेक कंप्यूटर साइंस आपको पता ही है कि वहां पर कितना प्लेसमेंट होगा लेकिन वहां के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ करना था आगे और पढ़ाई क्योंकि वहां से प्लेसमेंट मिलना नहीं है और उन्होंने फिर गेट की तैयारी करके गेट के जरिए इसमें एडमिशन लिया एन आई टी कुरुक्षेत्रा में अभी उनको रिसेंटली जो फोन आया था वो इसी बात पे आया था प्लेसमेंट मिला है अनगेस वॉट उनको कितना पैकेज मिला होगा कीजिए कितना पैकेज मिला होगा तो जहां पर आपको लगता है कि यहां के बाद हम टूट गए हैं के बाद हमसे कुछ नहीं हो सकता वहां से कहानी शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत हम आपसे जरूर उनसे मुलाकात करवाएंगे मैंने उनको बोला है कि आकर के बच्चों को बताइएगा क्योंकि आप तुरंत जज कर लेते हैं इस बात पर कि आज नहीं हुआ जय इवेंस तो हमारा जिंदगी खराब हो गया हम खत्म हो गए भाई हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स हम इसी विश्वास से हमने पढ़ाना शुरू किया था कि इसमें बच्चे कुछ करें ना करें अगर मैथमेटिक्स मजबूत है जिंदगी में बहुत कुछ करने के काबिल हो जाएंगे उनके पास इतनी काबिलियत जरूर होगी अग्रीड नॉट अब सारे इस बात से सहमत है कि नहीं ना के बराबर प्लेसमेंट है उस ना के के छोड़ो हम आपसे यह पूछना चाह रहे हैं कि कि कितना गेस कितना का प्लेसमेंट उनको मिला होगा इसलिए आपको जो कहा जाता है उसको गांठ बांध लीजिए और उसको फॉलो करते रहिए रिलीजियसली रिलीजियसली फॉलो करते रहिए एक बार लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा बताइएगा जरूर आप बताइएगा जरूर कि कितना उनको मिला होगा मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद मैं बताऊंगा ठीक है इसलिए मैथमेटिक्स का अब आप बोलोगे सर इसमें स्टेटमेंट नहीं लिख रहे मैथमेटिकल अप्रोच लिख रहे हैं आई ऑलवेज ट्राई टू डेवलप द मैथमेटिकल ब्रेन दर इज अ पोर्शन जो मैथमेटिकली सोचता है दिमाग में एक हिस्सा है जो मैथमेटिकली सोचता है हर वक्त वो मैथमेटिकली सोचता है गुलशन राजू आर रॉन्ग ठीक है स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स अब आ जाइए और ज्यादा है भाई और ज्यादा है स्केलर मैट्रिक्स सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस ये अगर मतलब देखा जाए तो स्क्वायर के भीतर डायगोनल के भीतर स्केलर स्केलर के भीतर आइडेंटिटी ऐसे कुछ करके है ठीक है ठीक है अब देखिए एन क्रॉस एन अब यहां पर है ए आई जे बराबर जीरो आई नॉट इक्वल टू जे I बराबर जे को डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब है तो एलिमेंट्स जीरो होंगे मतलब वही उसके बीच में उसके बीच में ठीक है तो इसलिए आप घबराइए मत बिल्कुल अच्छा होगा बिल्कुल अच्छा होगा बहुत बेहतरीन होगा आपका भी ठीक है तो ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर जीरो जब आई इज नॉट इक्वल टू जे कहने का मतलब ये आपका क्या होगा ये आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकता है वो जीरो हो सकता है या नहीं वो डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इस यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू Diagonal, सिर्फ मतलब केवल डायगोनल के तौर पे, पे मैं बोलू एक्वल टू डायफ वन थ्री माइनस टू इसका मतलब क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट्स है वन थ्री और माइनस टू नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा ये तो पक्का है दिस इज़ द इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है अब ये लिखने की बातें इस तरीके से स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा इस तरीके से नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा तो ये जानकारी होनी चाहिए स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स में यहां पर ए आई जे एन क्रॉस एन यहां पर आप लिखोगे ए जे इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू के वेन आई बराबर जे और जीरो मतलब जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लेकिन सब बराबर होगा मतलब सारे बराबर होंगे तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स सारे बराबर है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे तो ये स्केलर का ही स्केलर का ही होगा ये ए आई जे एन क्रॉस एन आई जे इज ए आई जे इज इक्वल टू वन और i नॉट इक्वल टू जो इसी का स्पेशल एलिमेंट सारे वन हो गए सारे वन हो गए भाई बहुत बेसिक है लेकिन बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जिसको बेसिक बिल्कुल नहीं पता होता है ट्रैंगुलर मैट्रिक्स में एक आपका लोअर ट्राइंगुलर है एक आपका अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर और एक आपका अपर ट्रैंगर मतलब लोअर ट्राइंगर मतलब लोअर ट्रेंगुलर मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो होगा डायगोनल के ऊपर वाला मतलब डायगोनल वाला जीरो होगा या नहीं होगा इस पर कोई बातें नहीं है अगर जिनको लग रहा है ना कि बहुत बेसिक है तो उनको एक ज्ञान दे दें एडवांस का जो सवाल आता है ना वो इन्हीं बेसिक बात से मिला करके पूछता है मतलब तो आप इस तरीके से सोचना उसको खंगालना जरूर आ, कोशिश कीजिएगा अपर डायगोनल का मतलब होता है अपर डायगोनल होगा डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट सारा जीरो होगा डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो होगा ठीक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को तो आप ये कर सकते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो दोनों का ऑर्डर भी बराबर हो तो मतलब होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों का बराबर होने चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए चलिए अगले सवाल की ओर ये सवाल ले लेते हैं एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन मतलब हम क्वेश्चन सबको लास्ट में रखें क्वेश्चन सबको लास्ट में रखे लास्ट नहीं मतलब एडजॉइंट uh, के बाद और वो डिटरमिनेंट uh, के बाद तो ये दोनों अगर बराबर है तो इसके बराबर ये होगा इसके बराबर ये होगा इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू वन टू वाई इज इक्वल टू फोर टू वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन एक्स प्लस ठीक है तो यहां से y इज ये ये रख रख देंगे तो टू ये यहां रख देंगे तो तो दो, दो पांच बिल्कुल सही है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा दस ठीक है कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अल्जेबरा ऑफ मैट्रिस दो मैट्रिक्स को जोड़ना अब यहां से ये सारे जो बातें होंगी छोटी छोटी बातें आपको लगेगा बहुत छोटा है लेकिन उन्हीं बातों के आधार पर सवाल बनेगा एडिशन मतलब अगर दो मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर दोनों का ऑर्डर सेम है दोनों सेम होना चाहिए ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो इसमें फर्क नहीं पड़ता इन दोनों को पहले जोड़ो या इन दोनों को पहले जोड़ो वो बात तो बराबर होगी ठीक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर क्वांटिटी अगर आपके पास aij है एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n तो k a कहोगे स्केलर क्वांटिटी है कुछ k a कहोगे तो ये एलिमेंट हो जाएगा k a ij मतलब सारे एलिमेंट में जितने भी उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स में जाकर के k गुना हो जाएगा सारे एलिमेंट में मतलब डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए यहां पर a11 a12 a21 ज्यादा नहीं लेते हैं ए टू टू ऐसा कुछ है तो अगर टू ए कहते हैं तो टू सब में गुना हो जाएगा टू ए वन वन टू ए वन टू टू ए टू वन और टू ए टू टू इस तरीके से बेसिकली हर एक एलिमेंट में जाकर के गुना होगा ठीक है हरेक एलिमेंट में गुना होगा ठीक है हर एक एलिमेंट में गुना होगा हो जी रविराज बाबू लिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बस वो है ना कि सैकड़े की आंकड़े को आप लोग शायद भूल गए हैं उसके बिना पॉसिबल नहीं है उसके बिना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो वो आप कोशिश कीजिए मैं जरूर छह घंटे नहीं आप कहिएगा दस घंटा बारह घंटा लगातार सेशन चलता रहेगा बस मतलब मोबाइल खोल के बैठे रहोगे सीखते रहोगे सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई अस्केलर क्वांटिटी अस्केलर क्वांटिटी ठीक है अब इसी में, इसी में में कुछ कुछ प्रॉपर्टी मान लिया रहता है इसी में कुछ कुछ प्रॉपर्टी मान लिया रहता है कि ए ए प्लस प्लस बी बी ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं अगर ऐसा लिखा हुआ लेमडा वन ए और प्लस लेमडा टू बी तो इसको नहीं लिख सकते हैं लेमडा वन प्लस लेमडा टू बी ये छोटी छोटी बातें आपको बाद में काम आती हैं यही सारे प्रॉपर्टीज के रूप में काम करते हैं ठीक है चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आप सारे को आता होगा क्योंकि आपने ये कर रखा है। इसमें कुछ सीखने वाली बात ऐसा है नहीं। बस एक बात मैं बता दूं कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है बी बी आई जे क्या होगा एन क्रॉस पी ये वाला रो पहले का ए बी तभी डिफाइन होगा ए बी ए गुने बी तभी डिफाइंड होगा जब पहले का रो और दूसरे का पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो ये और ये बराबर होगा तभी डिफाइंड होगा मतलब ये ये होगा, होगा।, हो होगा तो ये आ जाएगा मान लो सी आई जे इसका ऑर्डर क्या होगा ये एम क्रॉस पी इसका ऑर्डर क्या होगा ये एम क्रॉस पी इसका ऑर्डर क्या होगा ये एम क्रॉस पी ठीक है अब गुना कैसे करते हैं तो यह हमेशा गुना होता है रो बाई कॉलम रो बाई कॉलम रो बाई कॉलम इस मेथड से गुना होता है मतलब पहले का आप रो लेते हैं जैसे यहां पर एक दो ही और तीन ऑर्डर का ले लेते हैं तीन ऑर्डर का ही आपको मिलेगा ए वन वन ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री अगर आपको आता है गुना तो आप लिख दीजिए कि हाँ सर आता है मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊँगा ये आ गया दो मैट्रिक्स को अगर आपस में गुना करोगे अगर इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करो तो आपको आता है बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं यहां पर जो बताना चाह रहे हैं वो समझिएगा दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए आपको पता है इसका, इसका कॉलम लेंगे इसका रो लेंगे इसका कॉलम लेंगे तो उस तरीके से आपको आ जाएगा समझने वाली बात यहां पर है कि इन दोनों को गुना करके आपको कभी कभी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर किसी एलिमेंट को बराबर करने के लिए कहा जाता है मान लिया इस एलिमेंट को चाहिए तो ये एलिमेंट कौन सा है दूसरा रो तीसरा कॉलम तो आपको पकड़ना है दूसरा रो और तीसरा कॉलम इसको इसमें गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा ए टू वन और बी वन थ्री ए टू टू बी टू थ्री ए टू टू बी टू थ्री और प्लस ए टू थ्री बी थ्री थ्री ये आपको आएगा ये आपको आएगा हाँ या ना समझिएगा ये जो आपके पास है कि आपको सिर्फ इक्वेट करने के लिए तो जब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को इक्वेट करना है तो इसका रो और इसका कॉलम तो इसका रो और इसका कॉलम जो लोग उसी पोजीशन का आएगा उसी रो और कॉलम के एलिमेंट को आप बताते हैं तो ये डायरेक्ट इस्तेमाल करना है आपको हमें पता है कि आपको गुना करना आता है ये जानकारी है मुझे कि बाय दिस टाइम आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान में रखो जब कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उसका कोरोस्पॉग पोजिशन का एलिमेंट बराबर होता है ठीक है तो उस पोजिशन का ही एलिमेंट चाहिए तो उसी पोजिशन को केवल ध्यान में रखना है मान लिया हमको ये वाला एलिमेंट चाहिए एंड दिस इज थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो थर्ड रो एंड फर्स्ट वी विल कंसिडर लाइक दिस थर्ड रो एंड फर्स्ट विल कंसिडर लाइक दिस क्लियर है चलिए तो आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हैं एकदम झक्कास तरीके से कहीं कोई रुकने वाली बात नहीं है भाई कहीं कोई रुकने वाली बात नहीं कुछ भी नहीं रुकना है अब लेमडा ए इंटू बी ऐसे करके लिखा हो यहां स्केलर क्वांटिटी आएगा ये स्केलर है तो आप इसके साथ यहां पर गुना कर सकते हैं लेमडा गुने भी या आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का लेमडा बाहर कर दो ए गुनेबी जैसे इसके पास है लेमडा वन ए और इसके पास से लेमडा टू बी यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा वन लेमडा टू ए गुने बी स्केलर को मतलब स्केलर को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और वो बहुत काम की चीजें हैं जब इतने चीख चिल्ला के जोर से गला फाड़ करके कुछ कह रहे हैं तो उस पर ध्यान देना अमल करना कि कुछ तो जरूर अच्छी बात होगी जिसकी वजह से ये बात बार बार बताई जा रही है ठीक है बस आप प्लीज डू शेयर दिस सेशन अमंग योर ग्रुप्स इट विल हेल्प एवरी एवरी वन चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा ये बताओ ए गुने बी अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है दिस इज नल मैट्रिक्स A गुने B, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो ए और बी में क्या जरूरी है कि A एक नल मैट्रिक्स होगा जैसे एक्स गुने वाई नंबर में क्या होता है जीरो है तो या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा या दोनों जीरो होगा यहां पर ए गुने बी बराबर जीरो तो ए और बी में ए भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है P भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है दोनों जीरो मैट्रिक्स हो सकता है और दोनों के दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा तो भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है ये पता है ये पता है ए गुने बी बराबर जीरो अगर कोई लिखता है ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो तो ये गलत है हो सकता है ये भी हो सकता है ये, है ये, भी, ये भी और ए और बी दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है ठीक है दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है तो इसको ध्यान में रखना है ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें ठीक है ठीक चलिए अब इसी के आधार पे अगर कोई मैट्रिक्स एक बात बताओ अगर कोई मैट्रिक्स खुद से गुना हो रहा है ए गुने ए हो रहा है तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा गारंटी है क्या सब्ट्रैक्ट होकर के भी। अरे सब ट्रैक्ट की बात नहीं है भाई इसमें बात सब ट्रैक्ट की नहीं है कहां से बोला जा बोला जा रहा है ए गुने बी जीरो है ये ए गुने बी जीरो है तो सब ट्रैक्शन पे कहां पहुंच गए अगर ए गुने बी जीरो है तो ए और बी कैसा होगा जैसे ए बराबर एग्जाम्पल ले ले लेते हैं ए बराबर है आपका वन जीरो 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 मैट्रिक्स तो नहीं है बी बराबर ले, ले लेते हैं जीरो वन जीरो जीरो ठीक है ठीक है अब दोनों को गुना करो वन जीरो 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 वन जीरो जीरो कैसा आएगा <coughs> इसको गुना करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो आ जाएगा फर्स्ट रो अरे यहां पर नहीं जीरो गड़बड़ ले लिया गड़बड़ ले लिया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां वन आ जाएगा तो इसको ऐसा करते हैं इसको कहीं और आ, कर देते हैं गड़बड़ हो गया नहीं यहां हैं ऐसा कुछ अब देखते हैं क्या आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो जीरो गुने वन जीरो ठीक है ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वन इंटू जीरो जीरो इंटू वन जीरो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फिर से जीरो दोनों मैट्रिक्स ए और बी ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है जीरो मैट्रिक्स आ रहा है हम ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं ठीक है जे एडवांस में बहुत बार भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं है ये सब जान है मैट्रिक्स अल्जेब्रा है अल्जेब्रा में आपको पता है कि दिमाग लगाए जाते हैं तो ऐसे केसेस में आपको इस तरीके के सवालों से मुलाकात डेफिनेटली होगी जहां पर आपको सोचने की आवश्यकता होगी सोचने की आवश्यकता होगी आगे चल के मैं बात करूंगा आगे चल के मैं जब बात करूंगा तो मैं ये भी साथ ही साथ बताऊंगा कि a into b अगर जीरो मैट्रिक्स है a into b अगर जीरो मैट्रिक्स है तो दोनों में से कोई एक कम से कम सिंगुलर जरूर होगा सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट जीरो अगर a into b इज अ जीरो मैट्रिक्स देन a और b में से कोई एक कम से कम सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इस तरीके की बातें होती हैं <coughs> इस तरीके की बातें होती हैं दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट इसी तरीके से पढ़ना होता है चलिए आगे बढ़ा जाए ये एग्जाम्पल लेकर के दे दिया कि दोनों को जो है नॉन जीरो मैट्रिक्स है लेकिन गुना होकर क्या आ रहा है जीरो मैट्रिक्स आ रहा है क्लियर है बोलो <coughs> 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 जल्दी 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 बताओ क्लियर है क्लियर चलिए अब यहां पर मैंने पूछा कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ है स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिखा है अगर कोई मैट्रिक्स खुद से खुद में गुना होगा तो क्या उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है हाँ या ना बोलिए, यस yes, ध्यान से देखिएगा ए क्रॉस ए

या आ, सीधा लिखते हैं मान लिया एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स मान लिया एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ए नॉट एक्स का पावर n प्लस ए वन एक्स टू दावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर n माइनस टू और डॉट 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 प्लस ए ऐसा कुछ है लेट अस से दिस इज अ पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल है ठीक है ये पॉलिनोमियल है और आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक है अब आपसे क्यों है अगर पूछता है अगर आपसे कोई पूछता है कि f(a) क्या होगा तो f(a) क्या बताओगे तो यहां पर जैसे x के जगह पर कुछ भी रखता है तो वो आप यहां रख देते हैं तो वैसे ही x के जगह पर आपको यहां a रखा है तो यहां a रख दो तो ये क्या आएगा a नॉट a a n a1 a n 1 a2 a n 2 और डॉट 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 ये क्या हो जाएगा एन अच्छा ये देखो ये सारे के सारे मैट्रिक्स हैं मैट्रिक्स में एलिमेंट थोड़ी गुना होगा तो इसको क्या करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करो किससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने order का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज ऑफ ऑफ ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ ए मतलब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ए का होगा क्योंकि ये सारे मैट्रिक्स है तो उसमें कांस्टेंट थोड़ी गुना होगा तो ये याद करने का तरीका है कि यहां से इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लिया फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी ले लेते हैं बिना एग्जांपल के क्या ही हो सकता है हम लोग का सपोज करो सपोज करो आपके पास एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स प्लस थ्री अगर आपको एफ ऑफ ए पूछ रहा है तो यहाँ क्या लिखोगे ए स्क्वायर माइनस टू ए और प्लस थ्री ये मैट्रिक्स में थ्री थोड़ी जुटेगा थ्री आई थ्री आई मैट्रिक्स क्लियर यस बिल्कुल हो सकता है आशुतोष जी बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी तो लिखा ही नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वो जो है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए अगर इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए यहां से ध्यान दो तो आप यहां से अभी इंटीग्रल पावर ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया इंटीग्रल पावर तो उसी इंटीग्रल पावर से हम कहते हैं कि ए प्लस बी का पावर टू अगर लिखा जाए प्लस बी का पावर टू अगर लिखा जाए तो इसको किस तरीके से आप लिखेंगे इसको किस तरीके से आप लिखेंगे बोलिए ए प्लस बी का पावर टू ए प्लस बी का पावर टू तो आप इसको लिखेंगे ये एक मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स है ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी और गुने ए प्लस बी ऐसा लिखेंगे ए प्लस बी और गुने ए प्लस बी ठीक है अब यहां से आप ध्यान देंगे बेटा आप यहां से ध्यान देंगे क्या हुआ? हुआ है ही नहीं लगा हुआ है किसी ने बताया नहीं मुझे सॉरी गाइस तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिखोगे ए प्लस बी और इनटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अब यहां से प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन इसकी बात समझिए ए गुने ए ये होगा ए स्क्वायर ए गुने बी ये होगा ए बी बी गुने ए ये होगा बी ए और बी गुने बी होगा बी स्क्वायर ऐसे ही लिखना है अगर ऐसे नहीं लिखे तो आप फंस जाओगे जिस वक्त अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो है है। मतलब बोलेगा ए एंड बी आर कम्यूट मतलब अगर आपको शब्द बोलता है ए एंड बी आर कम्यूट मतलब वो लिखा रहेगा ए बी बराबर बी ए क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा ए बी बराबर बी ए ठीक है तो आप इस तरीके से यहां पर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते आपको लिखना होगा ए स्क्वायर और प्लस बी ए और माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर ध्यान रखिए ये पहले है तो पहले ऐसे गुना होगा तो आप प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर समझिएगा अगर कहीं ए बराबर बी लिखा हुआ है अपने मन से दोनों तरफ एक मैट्रिक्स गुना करना चाहते हो यहां पर आप लेफ्ट में गुना किए हैं तो इधर भी आपको लेफ्ट में ही गुना करना पड़ेगा इफ यू आर मल्टीप्लाइंग लेफ्ट साइड तो यहां भी आपको लेफ्ट साइड गुना करना पड़ेगा इस तरीके से आपको काम चलेगा यहाँ पे इस तरीके से बात चलेगी इधर ठीक है इस तरीके से बात चलेगी चलिए नेक्स्ट ठीक है शैल बी मूव आगे बढ़ा जाए <coughs> शानदार ये रहा आपका नेक्स्ट सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स

डिटर्मिनाट ऑफ ऑर्थोगनल मैट्रिक्स इज आइदर वन और माइनस वन आइदर वन और माइनस वन दूसरी बात इसका अगर अगरगनल मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स जो होगा उसी का ट्रांसपोज होगा ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज तो ये दोनों बातों को ध्यान में रख सकते हो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर ए आइडम पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर ए एक इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स भी होता है इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर आई उसको क्या कहते हैं इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स अरे मैट्रिक्स के टाइप्स बहुत आप में जब जाओगे, मतलब ग्रेजुएशन आपको इस तरीके की जानकारी मिलेगी यहां तो बेसिक है सब सारे के सारे बेसिक ठीक है।, है अच्छा आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनाट या तो जीरो या वन होगा डिटर्मिनाट या तो जीरो होगा या वन होगा ये सारे बात कैसे आते हैं देख लेते हैं पोटेंट मैट्रिक्स की एक खास बात ये होगी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स की खास बात ये होगी कि उसका इनवर्स वो खुद ही मैट्रिक्स होगा अगर कोई मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे दिया जाए ए इज एन पोटेंट मैट्रिक्स तो वहां उसका इनवर्स क्या होगा तो इनवर्स वो खुद ही होगा आइडम पोटेंट मैट्रिक्स में उसका इनवर्स खुद ही होता है दूसरी बात पीरियडिक मैट्रिक्स अगर पीरियडिक मैट्रिक्स है तो a का पावर के प्लस वन ए का पावर के प्लस वन फिर से ए ही आ जाएगा तो k पीरियड होगा जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको पीरियड कहेंगे द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ k, लिस्ट वैल्यू ऑफ k। मान लिया a का पावर फोर अगर a है तो पीरियड ये क्या होगा पीरियड चार नहीं होगा पीरियड तीन होगा इसको चार को लिखोगे तीन प्लस ए तो इसका पीरियड तीन होगा ठीक है इसका पीरियड तीन होगा आइडम पोटेंट मैट्रिक्स भी पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा जिसका पीरियड कितना है वन है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स में एक का कोई भी पावर कर दो वो ए ही आएगा अगर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है अगर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है ए स्क्वायर बराबर ए है तो ए का कोई भी पावर करोगे तो हमेशा क्या आएगा वो ए ही आएगा ए का पावर दस करोगे तो भी घट करके फिर ए ही आ जाएगा है, एक होता है पोटेंट मैट्रिक्स मतलब उसको पावर बढ़ाते जाओ तो एक बार जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा और जहां पर जीरो मैट्रिक्स बनेगा उसके बाद जीरो मैट्रिक्स ही बनता रहेगा क्योंकि उसके बाद तो हमेशा जीरो गुने सब मैट्रिक्स जीरो गुने सब मैट्रिक्स तो हमेशा जीरो ही आएगा ठीक है तो ए का पावर एम बराबर जीरो लेकिन उसके पहले का जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो एम को आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ नील पोटेंट ल पोटन मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होता इसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सो दीज आर सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस यू शुड रिमेंबर इट एक यहां पर इन्वॉलिटरी मैट्रिक्स है ए स्क्वायर बराबर आई ठीक है ठीक है बोल दो भाई बोल दो बोल भी दो बोल दो, ना जरा दो जो बताओ सब बढ़िया चकाचक एकदम सब क्लियर ना अब आगे बढ़ लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए ए आई जे इसके ट्रांसपोज को आप डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या ए टी से इसको डैश कह दें या टी कह दें ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में क्या होता है रोज को कॉलम हो जाता है ये जो मैट्रिक्स आएगा वो जो मैट्रिक्स आएगा वो बी आई जे हो जाएगा और ये हो जाएगा एन क्रॉसेम इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है इसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एम और क्या होगा कि ए आई जे वाला एलिमेंट इसका उल्टे जगह पर बी आई जे जो होगा इसका बी आई जे जो होगा एक्चुअली में, के बराबर होगा. में के बराबर होगा ठीक है ठीक है शानदार अब यहां क्या कहना चाह रहा है तो इसको ऐसे देखिए ये आपको पता होगा लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन तीन ऑर्डर के ही मैट्रिक्स पे बात करनी है इसलिए तीन ऑर्डर को ही बार बार में लेते हैं अब भाई धुआंधार तरीके से क्लासेस चलेगी बस ये बता देना कि कहां पर स्लो स्लो पढ़ाना है और कहां पर तेजी से आपको सारी बातों को कवर कराना है क्योंकि बहुत सारे फार्मूला का सेशन लगाने जरूरी है रिवीजन के लिए तो वो यह करता रहूंगा ए ट्रांसपोर्ट लोगों जो रो है वो कॉलम बन जाएगा यहाँ आ गया ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए ये जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा ए टू वन ए टू टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री थ्री रो जो है कॉलम बन जाएगा कॉलम जो है रो बन जाएगा यहां पर वन टू है यहां पर वन टू है तो ये वन टू क्या हम लिखे हैं टू वन के बराबर हो जाएगा तो यहाँ जो मान लिया है टू वन है ये टू वन है तो ये टू वन उठ करके कहा चला गया देखो तो वन टू के पोजिशन पे आ गया कि नहीं इस इस एलिमेंट का अगर नाम देना रहेगा तो क्या बोलेंगे ये वन रो कॉलम तो वन टू का है जो कि यहां से उठ करके आया है तो यही चीज यहां पर है उसका इंटरचेंज कर दो उसका इंटरचेंज कर दो अरे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर आई कहीं पूछा नहीं जाएगा टेंशन ना लो इनवॉल्यूटेंट ए स्क्वायर बराबर है आइडम पोटेंट ए स्क्वायर बराबर है इनवॉल्यूट्री में यही ए स्क्वायर बराबर आई यहां पर आ, मैंने सॉरी एक बात बोली है कि आइडम पोटेंट में इसका इनवर्स खुद होगा नहीं आइडम पोटेंट में नहीं इनवॉल्यूट्री में इसका इनवर्स खुद होगा आइडम पोटेंट में नहीं इनवोल्यूट्री में इसका इनवर्स खुद होगा इनवर्स का मतलब होता है ए गुने बी गुना करके आई होना चाहिए तो ए स्क्वायर को लिखेंगे ए गुने ए आई है तो ए का इनवर्स ए होगा ए का इनवर्स ए होगा ए का इनवर्स ए होगा इनवोल्यूट्री में आइडम पोटेंट में नहीं आइडम पोटेंट में क्या होगा कि कोई भी पावर करो हमेशा वो ए ही आएगा अरे सिर्फ नाम है और इसका ये काम है इतना याद रखना इसका हम्म अब ट्रांसपोज के, के जो ट्रांसपोज के जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको काफी यहां के बाद आपको चार का प्रॉपर्टी याद रखना है ट्रांसपोज का आपको एट का इनवर्स का डिटरमिनेंट का इन चारों का प्रॉपर्टी याद रखो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी यही होती है और यहीं से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से आते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी भी यही होती है ए प्लस बी ए प्लस माइनस बी का पावर टी मतलब पावर टी कर रहे ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया जाए ट्रांसपोज लोगे तो अलग अलग ट्रांसपोज कर दो कोई दिक्कत नहीं है अगर ए गुने बी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको रिवर्स लॉ भी कह सकते हैं रिवर्स लॉ मतलब ए गुने बी का ट्रांसपोज क्या होगा बी ट्रांसपोज गुने ए ट्रांसपोज मतलब इंडिविजुअल ट्रांसपोज करोगे लेकिन ऑर्डर उल्टा हो जाएगा मान लिया आपके पास मान लिया आपके पास यहां ए बी सी इन तीन का ट्रांसपोज होता ऐसे लिखोगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंडिविजुअल पे ट्रांसपोज आएगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अब ट्रांसपोज चुकी रिवर्स लॉ को फॉलो करता है तो जिस जिस जगह पे ट्रांसपोज का इस्तेमाल होगा वहां-वहां रिवर्स लॉ लगेगा वहां-वहां रिवर्स लॉ लगेगा ठीक है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से वही आ जाएगा K into A ट्रांसपोज तो K को बाहर निकाल लो A ट्रांसपोज कोई दिक्कत नहीं है मतलब पहले गुना करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेकर के K से गुना करो वो तो K का काम क्या है सब में गुना करना सारे एलिमेंट्स में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और आपको पता होने चाहिए A का पावर एन का ट्रांसपोज इसी काम करें, तो A का पावर एन ए गुने ए गुने ए गुने ए तो ए ट्रांसपोज गुने ए ट्रांसपोज तो ये भी एक प्रॉपर्टी में आप रख सकते हो तो ट्रांसपोज तो का ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का ये प्रॉपर्टी है ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट सिमेट्रिक एंड एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा इसको यह भी कह सकते हो ये क्या हो गया ठीक है अब इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ए ट्रांसपोज बराबर और आई जे बराबर ए जे आई ऐसे लिख सकते हैं ठीक है ए आई जे बराबर ए जे आई ए ट्रांसपोज बराबर दोनों बात बराबर है दूसरी बात स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आपको बस इतना ही करना है अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में जानना चाह रहा है तो आप सिर्फ उसका ट्रांसपोज लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए अगर वो ए के बराबर है तो समझिए वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है माइनस ए के बराबर है तो समझिए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है माइनस ए जे आई होता है छोटा माइनस ए आई ए जे आई होता है ठीक है छोटे अब इसमें अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स में वन वन होगा वन वन होगा टू टू, टू होगा टू टू होगा तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं तो इसमें आप लिखोगे डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो ए आई आई इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ डायगोनल इन केस ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन केस ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो ठीक है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को है ना चलिए देख लीजिए तो ये आपका एक और इसमें खास बात है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर डिटर्मिनाट ऑफ डिटर्मिनाट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर Odd order मतलब तीन चार तीन पांच सात इज ऑलवेज जीरो जीरो होगा का अगर skew symmetric matrix है तो उसका डिटर्मिनाट जीरो होगा उसका डिटर्मिनाट जीरो होगा उसका होगा हो 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 ठीक है बेटा डायगोनल एलिमेंट हमेशा मैट्रिक्स का जीरो होगा अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स है ए अगर आप इसको लिख सकते हैं तो लिखिए हाफ इन टू ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं सर half, पहले उसके पहले, ये, उसके पहले ये कोई भी मैट्रिक्स है उसके लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा जैसे ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू ट को जैसे फंक्शन में नहीं होता था एफ एक्स प्लस एफ ऑफ स्क्यू सीमेंट एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन में नहीं होता था एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स प्लस एक्स इवन होता था एफ एक्स माइनस एफ एफ माइनस एक्स होता था उसी तरीके से कोई भी मैट्रिक्स है तो ए प्लस जो होगा वो वो सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा और A A जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा और जो स्क्यू अब यहां पर हम इसको इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो यहां से इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज और ट्रांसपोज हमने क्या किया अपने मन से यह ट्रांसपोज जोड़ा ट्रांसपोज घटाया हाफ से आप डिवाइड कर दीजिए अलग अलग ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपको अभी जस्ट जैसे उधर बताया मैंने कि ये आपका सिमेट्रिक होगा तो उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे या सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे उसमें किसी कांस्टेंट से गुना करने पे मतलब स्केलर से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा तो आप यहां पर एक बात कह सकते हैं कि एनी मैट्रिक्स ए

स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा हाफ ए माइनस ए डैस इस पॉइंट को याद रखिएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज को घटाएंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा ठीक है ठीक है चलिए डिटर्मिनाट ऑफ ए मैट्रिक्स डिटर्मिनाट ऑफ ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है ए वन वन ए वन टू तीन ही ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि तीन ऑर्डर का ही पढ़ना है हम लोग को तीन ऑर्डर और दो ऑर्डर यही तो है देखना ज्यादा तो जाना नहीं है ये एक मैट्रिक्स है ठीक है

हो गया डिटर्मिनाट बस अब डिटर्मिनाट होता क्या तो like, मतलब एक का, वो को करता है और वो इस तरीके से लिखा जाता है ताकि आपका, सजावट के आधार पे मतलब लिखने का एक तरीका है विच होल्ड सम वैल्यू तो दो ऑर्डर का, का डिटर्मिनाट दो डिटर्मिनाट होगा मान लिया दो ऑर्डर का डिटर्मिनाट होगा तो कुछ इस तरीके का आएगा ए बी सी डी है यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन और ऐसे ही सिंपल कुछ भी हो सकता है तो दो ऑर्डर का है तो ये आप लिखते हैं ए गुने डी और माइनस बी गुने सी तो दो ऑर्डर का डिटर्मिनांट निकालना तो काफी आसान है अब तीन ऑर्डर चार ऑर्डर हाइयर ऑर्डर का डिटर्मिनाट निकालना तो कैसे निकालेंगे हाउ कैन वी फाइंड द हाइडर डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ हाइयर ऑर्डर तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ता है uh, किस चीज का जरूरत पड़ता है माइनर और को का किसका माइनर और को का कोफैक्टर। इसके लिए जरूरत पड़ता है आपको माइनर और कोफैक्टर का व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज कोफैक्टर? माइनर अगर जो किसी एलिमेंट का निकालना हो माइनर एम आई जे

किसी भी एलिमेंट का माइनर इज अ लेफ्ट डिटरमिनेंट लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग दैट रो एंड दैट कॉलम कंटेनिंग द एलिमेंट उस एलिमेंट को कंटेन करता हुआ जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए रो को हटा दीजिए एलिमेंट का रो और कॉलम को हटा दीजिए बाकी जो बचेगा उसको और कोफैक्टर क्या होगा कोफैक्टर को ए आई जे और सी आई जे जो भी कर लीजिए इसको क्या कहेंगे माइनस 1 का पावर i j ए आई जे माइनर में ही माइनर में ही आप माइनस और प्लस से गुना करते हैं और वो माइनर ये जो है आपका माइनर उसमें कैसे गुना करते हैं माइनस वन का पावर आई प्लस एलिमेंट का पोजीशन है तो उस एलिमेंट का पोजीशन तो दो और एक जोड़ करके तीन है तो माइनस वन का पावर तीन नेगेटिव हो जाएगा मतलब या तो आप माइनस से गुना करेंगे या तो आप प्लस से गुना करेंगे या तो आप माइनस से गुना करेंगे या तो आप प्लस से गुना करेंगे किसमें माइनर में यानी माइनर में ही माइनस और प्लस से गुना करके आपको को फैक्टर मिलने वाला है जैसे इस पोजीशन पे माइनर को फैक्टर बराबर होगा इस पोजीशन पे माइनर का नेगेटिव होगा को फैक्टर तो ये आप निकाल लोगे ये आप निकाल लोगे तो यहीं से आपको डिटर्मिनाट की जानकारी मिलेगी अब इसको हटाते हैं अब आपको मान लिया इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताना है डिटरमिनेंट का वैल्यू बताना है तो आप किसी भी रो के लोग, मान लिया इस रो का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है वो डेफिनेशन देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर इस रो का एलिमेंट लिए हैं और इसी का कोफैक्टर लिए हैं a11 a12 a13 ये कोफैक्टरस हैं ये क्या है कोफैक्टरस हैं अगर आप इस कॉलम के लॉन्ग चाहते हैं मान ली दूसरे कॉलम के लॉन्ग चाहते हैं तो आप लिखेंगे ए वन टू आप लिखेंगे ए टू टू आप लिखेंगे ए थ्री टू इसको गुना करेंगे इसी के को फैक्टर से इसको गुना करेंगे इसी के को फैक्टर से और इसको गुना करेंगे इसी के को फैक्टर से डिटरमिनेंट वैल्यू डिटर्मिनाट वैल्यू क्या होता है तो उस एलिमेंट के कॉरस्पोंडिंग कोफैक्टर co से गुना करके जो समेशन आता है इसलिए डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी अलोंग के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं बोल रहे हैं 2 क्रॉस दो में कैसे कोफैक्टर निकालेंगे क्या ही दिक्कत है तुमको ए बी सी डी अगर इसका कोफैक्टर निकालना है तो ये गया और ये गया अकेला ये नंबर बचेगा डी तो डी हो जाएगा चलो तुमको हम निकाल के ही दिखा देते हैं ये हो गया ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ठीक है अब इसका को फैक्टर निकालना है मतलब को फैक्टर इसके लिए को फैक्टर कितना होगा को फैक्टर को अगर आप डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए वन वन कैपिटल ए वन टू कैपिटल ए वन थ्री सॉरी ए टू वन ए टू टू ए वन वन का मतलब है ये गया और ये गया तो ए टू टू आएगा ये इसका कहलाएगा माइनर और उसी में आप वन वन मतलब रो और कॉलम का पोजिशन वन और वन जोड़ करके इवन आ रहा है इसलिए यही आपका को फैक्टर हो जाएगा ए वन टू वन और टू जोड़ करके क्या आ रहा है ऑड आ रहा है तो ऑड में माइनस गुना हो जाएगा माइनस किस में गुना होगा माइनर में माइनर कैसे निकालेंगे इसका माइनर क्या होगा ये गया और ये गया तो ए टू वन ए टू वन क्या आएगा तो a21 में फिर से इसमें दो और तीन एक माइनस आएगा और इसको हटाओगे इसको हटाओगे a12 आएगा और a2 के लिए a11 यही होगा आपका और क्या कोफैक्टर दो तो ऑर्डर का कोफैक्टर में कहां कोई दिक्कत है ठीक है तो आप डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उसी के कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से गुणा करके और सबका सम निकाल दीजिए सबका सम निकाल दीजिए सम ऑफ एलिमेंट्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स ऑफ एनी रो और कॉलम ठीक है चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट देखिए जैसे ये वाला डिटर्मिनाट आप देख लीजिए कोई मैट्रिक्स है कोई मैट्रिक्स है कोई मैट्रिक्स है तो का का ट्रांसपोज जो होगा उसका और दोनों बराबर होता है डिटर्मिनाट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनाट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनाट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनाट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनाट ऑफ ए गुने भी डिटर्मिनाट ऑफ ए Of B होता है। of A का 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 पावर करोगे, इसी इस्तेमाल करेंगे। A गुने B का मतलब क्या हुआ? A और B अलग अलग थे। A का पावर मतलब गुने, 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 करोगे तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनाट ऑफ एंट ऑफ है तो ये अंदर बाहर आप कर सकते हैं और कुछ आ, और क्या ही करेगा हां एक और के गुने ए का डिटर्मिनाट के गुने ए का डिटर्मिनाट के जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो जब ये के बाहर आएगा के जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा का पावर एन डिटर्मिनाट एन क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ध्यान से बोलो सर ऐसा क्यों हुआ जब मैट्रिक्स में आप के से गुना करोगे तो सारे रो में गुना होगा सारे रो में गुना होगा लेकिन जब आप उसको डिटर्मिनाट में बदलोगे तो हर रो से एक कॉमन आएगा डिटर्मिनाट में आपको पता है ना डिटर्मिनाट का प्रॉपर्टी जो पढ़ते होंगे तो तो एक रो में कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकाल सकते हो तो एक रो में ये सब रो से कॉमन आएगा तो एन रो है तो एन रो से कॉमन आएगा के का पावर एन बन जाएगा तो ये कुछ आपके प्रॉपर्टीज हैं यहीं पर आप इसको कह सकते हैं एक क्लासिफिकेशन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनांट जीरो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनांट जीरो होगा और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट जीरो नहीं है उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनाट जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनाट जीरो नहीं होगा डिटर्मिनाट जीरो नहीं होगा ठीक है ठीक है चलिए अब आप यहां से देखिए कुछ जो डिटर्मिनाट के प्रॉपर्टीज होते हैं उस प्रॉपर्टी को भी आप समझ लीजिए वैसे तो पता होगा लेकिन मैं अपना आ, बता देता हूं पहला इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम रो को कॉलम में डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना रो को कॉलम में रो को कॉलम में रो और कॉलम को अगर चेंज कर दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनाट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं एग्जांपल एग्जाम्पल के जरिए ही समझते हैं ये डिटर्मिनाट है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री उतना लिखने से अच्छा है ऐसा करते हैं इसको मान लेते हैं ए सी डी ई एफ अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ कर लेते हैं ठीक है तो आप रो को कॉलम में यानी आप रो को कॉलम ये रो हो गया उसको कॉलम बदल दीजिएगा यानी ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो उससे डेल्टा का वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा ए बी सी दूसरा रो हो जाएगा दूसरा कॉलम और तीसरा रो हो जाएगा तीसरा कॉलम इससे फर्क नहीं पड़ेगा ये डेल्टा के ही बराबर होगा दिस इज फर्स्ट वन दिस इज फर्स्ट वन सेकेंड वन इज अगर आपके पास अगर आपके पास कोई दो रो को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं कोई दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं किसकी दो रो को मान लिया रो वन रो आई को रो जे या कॉलम आई को कॉलम जे मतलब आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस बाहर आ जाएगा जैसे यहां पर हम अगर जो ये कहें मान लिया हमारा यहां पर ये यह कहें इन दोनों को हम इंटरचेंज कर रहे हैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे <ग्यारे> हैं इसको तो डी एफ और यहां पर ए, ए, हो हो जाएगा। एक लग जाएगा। एक रो और कॉलम किसी रो को दो रो को आपस में इंटरचेंज करो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो तो उसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ द प्रीवियस वन ठीक है अब इसी में है कि अगर एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज कोई भी दो रो एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स कोई भी दो रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम और इन प्रोपोर्शन आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शन में हो आर इन प्रोपोर्शन देन डेल्टा बराबर जीरो डिटरमिनेंट जीरो होगा अगर किसी दो रो और दो कॉलम का रेशियो एलिमेंट्स का रेशियो सेम आ रहा है तो जीरो हो जाएगा और दो रो का या दो कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल है सेम आ रहा है तो भी जीरो हो जाएगा यानी रेशियो सेम हो या एलिमेंट सेम हो दोनों ही हालत में वो जीरो हो जाएगा दोनों ही हालत में वो जीरो हो जाएगा ठीक है दोनों ही हालत में वो जीरो हो जाएगा दोनों ही हालत में वो जीरो हो जाएगा अब आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अगर आप किसी रो में या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं मान लिया आप गुना करते हैं के गुने ए के गुने बी और के गुने सी आप यहां पर लिखते हैं के गुने सी ये हो गया डी ई एफ अल्फा बीटा गामा ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक है तो पहले रो में आपने गुना किया आप इसको के को बाहर ले लीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा के गुने ए बी सी यानी आप ये कह सकते हैं कि आपको अगर गुना करना है डिटर्मिनाट में तो किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में गुना करोगे या कॉमन लेना है तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन लोगे पूरे एलिमेंट का जरूरत नहीं होगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट से ठीक है किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट से ही कॉमन लोगे बोल रहे हैं सर प्लीज गिव एग्जांपल तो टू प्रीवियस का कॉन्सेप्ट का एग्जांपल ये ले सकते हो मान लिया ये वन टू थ्री है मान लिया वन टू थ्री है ये टू फोर सिक्स है टू फोर सिक्स है यहां कुछ भी रख दो एक्स वाई जेड तो ये जीरो आ जाएगा क्योंकि इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो क्या होगा सेम होगा या ऐसे कह सकते हो इसमें दो चार छह है तो दो कॉमन लोगे तो एक दो तीन आ जाएगा ये भी एक दो तीन ये भी एक दो तीन तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये सब तो आपने बहुत पढ़ रखा होगा मैं तो बस ऐसे ही क्विक रिविजन करवा दे रहा हूं ताकि आगे चल के हम लोग इन सबको फिर से इस्तेमाल में ला सके बस आपको हम उन कॉन्सेप्ट से मिलवा दे रहे हैं जिनको आपने पढ़ रखा है जिनको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ठीक है तो ये एक बात होगी दूसरी बात और आखिरी बात आप किसी भी रो में किसी भी रो में आप दूसरे रो का कुछ मल्टीपल जोड़ या घटा सकते हैं या किसी भी कॉलम में आप दूसरे कॉलम का कोई मल्टीपल जोड़ या घटा सकते हैं कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट में मान लिया मान लिया जाए मान लिया जाए इस रो में हम इस रो का पांच गुना करके जोड़ना चाहते हैं या पांच गुना करके घटाना चाहते हैं कर सकते हैं सम मल्टीपल ऑफ सम मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द दॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो किसी और रो का एलिमेंट में जोड़ना या घटाना संभव है दूसरे रो के एलिमेंट को कुछ गुना करके आप कर सकते हैं बस ये ध्यान रखना जिसमें जोड़ रहे हो उसमें कुछ गुना नहीं करना है गुना जिसको करोगे किसी दूसरे रो में या दूसरे कॉलम में जाकर जुड़ेगा दूसरे रो या दूसरे कॉलम में जुड़ेगा ठीक है चलिए एक बार मतलब तो तो ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो मतलब यह अच्छा लगता है क्या कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये आपका सपोर्ट सिस्टम है आई थिंक यू शुड टेक और आप कहते हैं सर ये कर दीजिए वो कर दीजिए और एक बात तो मान ही नहीं जाती आप लोगों से चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड है कुछ स्टैंडर्ड है अच्छा ये भी याद रख लो ए बी सी ई एफ ये मान लिया ये डायगोनल एलिमेंट है ठीक है डायगोनल एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट के ऊपर या डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारा एलिमेंट जीरो है तो उसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर मतलब यहां पर रख देते हैं ए बी सी यहां पर है जीरो जीरो, जीरो। या पर है जीरो 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 या तो या तो या तो या तो ये डायगोनल लिमिट ठीक है यहां पर यहां जीरो होगा या यहां जीरो होगा कहीं भी जीरो होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी सी उल्टा अगर इधर से है ना मतलब दूसरा वाला सेकेंडरी ये लीडिंग डायगोनल हो गया लीडिंग डायगोनल के ऊपर या लीडिंग डायगोनल के नीचे इतना बकवास करने के लिए प्रिंस बहुत दिमाग लाते हो ना मतलब बकवास कोई तुमसे करवा ले बकवास कोई तुमसे करवा ले का तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर या लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट अगर जीरो है ऊपर या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसका डिटर्म वैल्यू सीधा एबीसी हो जाएगा मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाएगा वैसे ही सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर या नीचे सारा है तो उसमें माइनस एबीसी हो जाएगा जैसे ऐसा है मान लिया जीरो जीरो तीन जीरो वन फाइव यहां पर लिख दो माइनस टू फाइव टू ऐसा कुछ तो लीडिंग डायगोनल ये सेकेंडरी डायगोनल है इसके एलिमेंट के ऊपर सारा डा, इस डायगोनल के सारा ऊपर जीरो है तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा तीन गुने एक गुने माइनस दो का माइनस इसमें सिंपल सा एबीसी सी हो जाता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लगा दोगे तो सिक्स आ जाएगा

लगाना है सिंप्लीफाई करने के लिए लगाइए कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स हैं जिसको याद रखना होता है वो प्रॉपर्टी से ही आपको लेकिन याद रखिए प्रॉपर्टी से ही प्रूफ होगा जैसे एक सबसे पहला ए वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर कुछ डिटर्मिनेंट्स जो है ये याद रखने होते हैं एक ये हो गया फिर आपका क्या हो गया वन ए ए क्यूब वन बी बी क्यूब वन सी सी फिर क्या हो गया वन ए स्क्वायर ए क्यूब वन बी स्क्वायर बी क्यू वन सी स्क्वायर सी क्यू फिर क्या हो गया ये आपको याद रखना है किसी भी हालत तो और सूरत में ये सारे याद रखने होते हैं वन प्लस ए बी सी ए वन प्लस बी ए बी वन प्लस सी ए बी सी बी सी ए सी ए बी ये मतलब अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे डिटरमिनेंट है जिसको रट लेना है तीन और दो पांच डिटरमिनेंट है जिसको रट लेना है किसी भी हालत और सूरत में किसी भी हालत और सूरत में इसका वैल्यू कितना आता है इसका वैल्यू कितना आता है इसको आप करोगे तो a- माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ध्यान से देखो ये रो में हमने लिखा है 1AA2, आपको कॉलम में दिख सकता है तो वो याद रखेंगे तो आप इस्तेमाल कर पाएंगे 1AAQ, 1BBQ, तो इसमें क्या आता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ही होता है एक बार देख लेना भाई वन ए स्क्वायर ए क्यू वन बी स्क्वायर बी ये क्या होता है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसा कुछ होता है क्या एक बार इस सबको मिला लो इसका क्या होता है वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी यहां पर आप समझने की कोशिश करोगे तब बड़ा अच्छा सा रिजल्ट देखोगे एबीसी तीनों में क्या है एबीसी एबीसी ए बी सी और डायग्नल में वन 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 जोड़ा हुआ है एबीसीबीसी एबीसी तो उसका वैल्यू सीधा हो जाएगा प्लस बी प्लस सी एक बार आप मिला लीजिए ये साइक्लिक है देखिए ए बीसी फिर एक पीछे ले आए बी सी ए फिर एक पीछे ले आए सी ए बी तो इसका वैल्यू होता है थ्री एबीसी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू ये कुछ डिटर्मिनाट्स हैं स्टैंडर्ड डिटर्मिनाट्स हैं बेटा इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है सम स्टैंडर्ड डिटर्मिनाट्स एक बार प्लीज मिला लीजिए बिल्कुल सही किसको किसको ये सारा याद है आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए बोलिए आगे बढ़ा जाए बालक और भाई ये जो डिटर्मिनाट का प्रॉपर्टी पढ़े ना इतना ही से मजा आ गया याद है सर जी बहुत बढ़िया शानदार चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का शुरुआत हो गया चलिए स्वागत कीजिए इनका

एडजॉइंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स पे बात करेंगे ठीक है जिनकी जिनकी इच्छा थे कि बाद में नहीं होता है हमको बाद में बुला लेना जब क्वेश्चन चल रहा होगा तो आ जाइए आप क्वेश्चन कहिए या इनवर्स में जिनको प्रॉब्लम है तो उनको आप देख लीजिए ए बराबर दिस बी ग्रेटर देन देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट ऑफ ए अपॉन बी डिटर्मिनाट ऑफ ए पहले डिटर्मिनाट ऑफ ए निकालना पड़ेगा डिटर्मिनाट ऑफ ए को ऐसे भी लिखते हैं या हम मॉड ए करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा टू बी वन देखते हैं क्या आता है टू इंटू इसको क्या लिखेंगे टू इंटू टू बी स्क्स टू माइनस बी में माइनस बी इंटू माइनस क्यों लगाया वही जो को फैक्टर वाला होता है तो इसका निकाल रहे हैं तो ये गया और ये गया तो ये गया और ये गया तो बच्चा टू इंटू बी और माइनस बी और प्लस वन इंटू ये गया और ये गया क्या आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस वन

इसको आप लिखोगे क्या बी प्लस थ्री वाई बी बी चूकी पॉजिटिव नंबर है तो आप एम जीएम लगा सकते हैं चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये तो जबरदस्ती का बात किया होगा कभी क्या ये तो जबरदस्ती का बात है दो पॉजिटिव को जोड़ करके निगेटिव आएगा क्या एम जी एम लगा लो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट बी इन टू थ्री वाई बी क्या अप्लाई कर रहे हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम तो दिस प्लस दिस बाई टू ग्रेटर रूट भी, तो टू इधर चला जाएगा तो बी और बी कैंसल हो गया टू रूट थ्री इज दिन दोनों का समावेश तो अगर चूंकि आपके पास पुछ के क्या क्या है आ, मतलब 25 क्वेश्चन का स्कोप है तो 25 क्वेश्चन है क्वेश्चन अगर कम गया तो नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है तो एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट मिक्स करके पूछा जा सकता है ना तो ऐसे सवालों को ज्यादा आप ध्यान में रखें ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें क्या ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

डिटर्मिनाट ऑफ बी का मतलब है यहाँ पर सारे एलिमेंट लिखोगे बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री बी थ्री वन बी थ्री टू बी थ्री थ्री अब यहां से आप यहाँ लिखोगे वन वन के लिए बी आई जे का फॉर्मूला ये लिखा हुआ आई प्लस जे माइनस टू वन प्लस वन माइनस टू तो ये हो जाएगा ए वन 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 टू रखोगे दो एक तीन माइनस एक इन ए वन टू तीन एक चार लिखोगे तो चार माइनस दो कितना हो जाएगा दो थ्री का पावर टू सिंपल सा है यहाँ जो एलि यह ये जो सफिक्स है उसको जोड़ देना है और उसमें से दो घटा देना है तो दो एक तीन तो ये हो जाएगा तीन ए टू वन दो दो चार ये हो जाएगा थ्री का पावर टू ए टू टू यहाँ हो जाएगा तीन दो पाँच थ्री का पावर थ्री ए टू थ्री यहाँ पर हो जाएगा तीन एक चार दो थ्री ए स्क्वायर ए थ्री वन ई क्यू ए टू का पावर थ्री तीन तीन छ चार हो जाएगा ये ऐसा कुछ आ जाएगा ऐसा कुछ आ जाएगा है ना? अब आप यहां से कुछ कॉमन लेने की बात कर सकते हैं अब आप कुछ कॉमन लेने की बात कर सकते हैं जैसे इसमें आप देखो इसमें आप देखो यहां पर है थ्री थ्री स्क्वायर और थ्री क्यू तो तीन कॉमन है इसमें देखो थ्री स्क्वायर थ्री क्यू थ्री का पावर फोर तो आप तीन यहां से कॉमन लोगे थ्री स्क्वायर यहां से कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा कितना थ्री का पावर थ्री यहाँ बच जाएगा ए वन वन यहाँ बच जाएगा आपको थ्री ए वन टू और यहां बच जाएगा थ्री ए स्क्वायर वन टू यहां से तीन कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए टू वन ये हो जाएगा आपका थ्री ए टू टू और ये हो जाएगा आपका थ्री स्क्वायर ए टू थ्री कॉमन लेने के बाद की बात कर रहा हूं मैं इससे कॉमन लिया था सेकेंड रोस और सेकेंड कॉलम से अब आप कॉमन ले लोगे किससे अब आप कॉमन ले लोगे सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से इसमें तीन कॉमन लोगे इसमें से तीन कॉमन लोगे, लोगे तो तीन आ जाएगा और इसमें तीन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो तीन का पावर छ हो जाएगा और ये बच जाएगा ए वन वन ए टू वन ये हो जाएगा ये सॉरी ये वन होगा तो थ्री का पावर सिक्स डिटर्मिनाट ऑफ ए कैसे डिटर्मिनाट ऑफ ए एक एलिमेंट क्या दिया हुआ ए आई जे एन वन एन टू एन थ्री इसी तरीके से आता रहेगा ना इसी तरीके से आता रहेगा तो ये आपका आ गया अब डिटर्मिनांट ऑफ बी का वैल्यू एटी वन दिया हुआ है डिटर्मिनाट ऑफ बी हमने ये निकाला है डिटर्मिनाट ऑफ बी दिया हुआ एटी वन एटी वन बराबर थ्री का पावर सिक्स डिटर्मिनाट ऑफ ए इसको नीचे लेकर चले जाइए थ्री ये, ये का पावर फोर है तो डिटर्मिनाट ऑफ ए कितना आ जाएगा डिटर्मिनाट ऑफ ए हो जाएगा इज़ राइट आंसर ठीक है तो का बेसिक सा प्रॉपर्टी है कुछ भी है इस सवाल में सारे सवाल आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के दो हजार उन्नीस बीस इक्कीस अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह यही सब रहेगा आपको और साथ ही साथ इस सेशन को करने के बाद जो शाम का आपका क्लास चलता है 45 डेज क्रैश कोर्स उसमें भी आपका मैटिस डिटरम जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दो बार आपका इन शॉर्ट दो बार आपका क्लास चल जाएगा एक यहां भी चल जाएगा एक शाम को भी चल जाएगा तो अच्छा खासा पकड़ आप बना सकते हैं ठीक है चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है दो का टू फटाफट ठीक है चलिए इस तरीके से करेंगे तो ऐसे केसेस में आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए जैसे टू एक्स टू एक्स एक्स फाइव एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स फाइव एक्स सबको जोड़ दीजिए आप इसको अगर सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आप यहां पर लगाइए आर वन जगह पर लिखिए आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर वन प्लस रोवन को लिखिए आर टू प्लस आर थ्री दोनों को जोड़ दीजिए जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा फाइव एक्स माइनस फोर भी आ जाएगा फाइव एक्स माइनस फोर ये भी आ जाएगा 5x 4 ये आपका 2x हो गया ये आपका 2x हो गया ये आपका x 4 हो गया ये 2x हो गया ये 2x हो गया ये, हो गया, ये x 4 हो गया इसको कॉमन ले लीजिए 5x 4 ये हो गया 1 1 1 हो गया अच्छा इसको कॉमन ले लीजिए अब इसमें से इसको हम घटा देते हैं 2x 2x ये 0 हो गया इसमें से इसको घटा देते हैं ये फोर माइनस एक्स हो गया इसमें से इसको घटा देते हैं तो एक्स प्लस फोर हो गया टू एक्स टू एक्स प्रॉपर्टी आप लगा दिए अब आप यहाँ पर वन है यहाँ वन है तो आप वन वन को घटा देंगे तो जीरो आने की चांसेस बढ़ जाएगी आपके पास फाइव एक्स माइनस फोर अच्छा एक काम एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसमें एक्स प्लस फोर कॉमन ले सकते हो एक्स प्लस फोर कॉमन ले सकते हो देखो माइनस कॉमन लोग एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर और जीरो तो से एक्स प्लस फोर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा वन 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 जीरो माइनस वन वन ये हो जाएगा टू एक्स टू एक्स एक्स माइनस फोर ऐसा आ जाएगा देखिए चलिए फाइव एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए नंबर ऑफ़ जीरोस बढ़ाने का नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने का इसमें से इसको घटाइएगा वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन टू और इसमें से इसको घटाइएगा तो एक्स माइनस uh, कितना आ जाएगा माइनस एक्स इसमें से इसको घटाइएगा जीरो ये हो जाएगा आपका माइनस वन ये हो जाएगा आपका जीरो और ये वन जीरो टू रो वन के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए रो वन के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस फोर वन इन टू ये गया और ये गया एक्स प्लस फोर अब यही तो है आपके पास ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी एक्स फाइव हो जाएगा बी ये हो गया फाइव और ए हो जाएगा माइनस फोर यहां पर माइनस फोर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है ए बराबर माइनस फोर और बी बराबर फाइव ए बराबर माइनस फोर और बी बराबर फाइव बी ऑप्शन हो जाएगा एकदम आराम से कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का ही सहारा लेना रहता है क्योंकि आप एक्सपैंड करके फिर बा, बाद में आप फैक्टराइज नहीं कर सकते फंस जाओगे चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है चलो कोई नहीं अब ऐसा करते हैं एट ऑफ़ ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं एट के बारे में पढ़ते हैं मैं थोड़ा सा छोटा सा यहां पर ब्रेक दूंगा दस मिनट का एट को स्टार्ट करने के पहले दस मिनट का ब्रेक रहेगा तीन मिनट्स ब्रेक अरे क्या हो गया भा? फटाफट से दस मिनट में आप आ जाइए उसके बाद एडजोइंट इनवर्स के बारे में बात करेंगे ठीक है तो समय हुआ समाप्त और हम हैं हाजिर आपके सामने अब उन्हें कैसे बताओगे जो मतलब चल दिए वो भी आराम से दस मिनट का टाइम था तो दस मिनट में ही आना था है ना कोई मैट्रिक्स है एड ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं कोई अगर मैट्रिक्स है ए ठीक है कोई मैट्रिक्स है ए तो आप इसके एलिमेंट <coughs> से इसके एलिमेंट से मतलब एलिमेंट के हटा करके को फैक्टर मैट्रिक्स बनाओ क्या बनाओ को फैक्टर मैट्रिक्स मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ अ को फैक्टर मैट्रिक्स तो मैं यहां पर अगर लिखता हूं दो तो ही ऑर्डर वाला ले, ले लेते हैं ना उतना क्या करना है ऐसा कुछ ज्वाइंट ऑफ ए जो होगा एट ज्वाइंट ऑफ ए इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है इसलिए आराम से समझेंगे ठीक है आराम से समझेंगे बेटा एट ज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है कोफ़ैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनाट कोफ़ैक्टर का ट्रांसपोज कोफ़ैक्टर मतलब ये जो मैट्रिक एलिमेंट uh, है उसी का को फैक्टर निकाल के वहीं पे रिप्लेस कर दीजिए मतलब इसके जगह पर इसका को फैक्टर इसके जगह पर इसका को फैक्टर इस तरीके से ठीक है सर और इसका ट्रांसपोज लेना है क्या लेना है इसका ट्रांसपोज लेना है क्या लेना है इसका ट्रांसपोज तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा ये जो रो है कॉलम में आ जाएगा ए वन वन एन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ठीक है एक मैट्रिक्स है उसका एड क्या होगा तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब आ, को फैक्टर ऐसे निकालते जाओ और रखते ऐसे जाओ मतलब एक ही स्टेप में आप दोनों काम कर सकते हैं इसको कहते हैं आप ज्वाइंट ऑफ ए दोनों को अगर गुना किया जाए किसको किसको ए को एट ज्वाइंट ए के साथ इस मैट्रिक्स को इसके साथ गुना करोगे तो इसका रो और इसके कॉलम में गुना होगा तो a11 इसके साथ जाएगा a12 इसके साथ जाएगा a13 अरे तो बड़ा अच्छा चीज आ गया वो एलिमेंट और इसके रो से गुना होगा मतलब उसी के कोफैक्टर से गुना होकर जुट करके क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा तो ये जो गुना होगा वो ऐसा आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a फिर 0 फिर 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ a कुछ ऐसा आएगा इस पूरे मैट्रिक्स में आप देखो 0 0 0 उसमें तो कुछ भी कॉमन है डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन है तो इसको आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो इसको कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए आई मतलब ए एड्जॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए आई होता है उसको मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी मतलब मैट्रिक्स में आपको एट निकालना है तो इस तरीके से आप निकालते हैं उसका एक रिजल्ट आया है ए इंट ए इंटू आई अब ये जो आपका रिजल्ट है यही सर्वे सर्वा है ए इंटू एट ज्वाइंट ए बराबर एट ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनाट ऑफ ए इंटू आई कोई मैट्रिक्स के गुना करोगे तो डिटर्मिनाट ऑफ ए इंटू आई आएगा डिटर्मिनाट ऑफ ए इंटू आई आएगा अब बिल्कुल ठीक है सही बात अच्छा तो पहला हो गया ए इंटू एड ज्वाइंट ए बराबर डिटर्मिनाट ऑफ ए इंटू आई एड ज्वाइंट ऑफ दूसरा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनाट एडजट ए का डिटर्मिनांट निकालना है तो हम देखिए एक प्रूफ करके दिखाते हैं आगे हम आपको समझना होगा किसी से आया होगा इसका बराबर इतना मतलब इतना बराबर अगर इतना लिख रहे हो तो दोनों का डिटर्मिनाट ले सकते हो ऐसे अब एक मैट्रिक्स गुने दूसरा मैट्रिक्स है तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसा कुछ बराबर ये स्केलर क्वांटिटी है तो डिटर्मिनाट के भीतर कोई स्केलर नंबर है तो बाहर आता है तो क्या हो जाता है डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर एन किसके अनुसार वो जो मैंने बताया था डिटर्मिनाट ऑफ के ए तो के का पावर एन एन क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इससे एक कैंसल हो जाएगा यहां पर तो हो जाएगा एट ऑफ ए

ठीक हाँ। है एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट का पावर एन माइनस टू इंटू ए ये मैट्रिक्स है ना तो ये मैट्रिक्स आएगा डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर एन माइनस टू इंटू एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट का डिटर्मिनांट क्या होगा तो होगा डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन का स्क्वायर एक था तो एन माइनस वन का पावर है, तीन लिखोगे तो का पावर आएगा चार एड ज्वाइंट लिखोगे अगर एड ज्वाइंट ऑफ एड ज्वाइंट जितना भी डिटर्मिनाट रहेगा तो डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन और उसका पावर उतना ही होगा जितना एड ज्वाइंट होगा दो एड ज्वाइंट है एन माइनस वन का पावर दो होगा एट ज्वाइंट में आपके पास एट ज्वाइंट में आपके पास क्या इस्तेमाल हुआ है ट्रांसपोज किसका एट ज्वाइंट ऑफ ए होगा ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं एट ज्वाइंट ए बी एट ज्वाइंट ऑफ बी इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए होगा एट ज्वाइंट ऑफ बी इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए होगा ठीक है ठीक है फिर ज्वाइंट ऑफ के ए तो के अगर देखो एट में से के स्क्र बाहर आएगा तो के का पावर एन माइनस ऐसा नहीं है कि सीधे के बाहर कर देना यही सब प्रॉपर्टी एक्चुअली जब आप फंसते हैं जब सवाल नहीं बनता तो उसका वजह यह नहीं होता कि आपको आता नहीं है बस फॉर्मूला नहीं याद होता है प्रॉपर्टी नहीं याद होते तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एट ऑफ ए का ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज लेकर निकाल, निकाल करके ट्रांसपोज लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ठीक है चलिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अगर कोई नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनाट जीरो नहीं है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसको इनवर्टिबल कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी इनवर्टिबल कहलाएगा और इनवर्स क्या डिफाइन होता है तो ए ए बी बी आई है मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी को ए का और ए को बी का इनवर्स कहा जाता है बी को ए का और ए को बी का इनवर्स कहा जाता है बी इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ ए तो इनवर्स ऑफ ए को ए इनवर्स ऐसे करके लिखते हैं ए इनवर्स ऐसे करके लिखते हैं ठीक है इसीलिए मैंने बताया था ऑर्थोगोनल के समय ए गुने ए ट्रांसपोज अगर आई है मतलब ये और गुने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये इसका इन्वर्स होगा यानी ए ट्रांसपोज जो होगा ए का इन्वर्स होगा यही मैंने बोला था यही मैंने बोला था ए ट्रांसपोज जो होगा ए का क्या होगा इन्वर्स होगा ए का क्या होगा इन्वर्स होगा ठीक है चलिए अब इससे रिलेटेड जो को, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं इनवर्स का इनवर्स निकालोगे फिर से ए आएगा इनवर्स का डिटर्मिनाट निकालोगे वन अपॉन डिटर्मिनाट ऑफ ए आएगा अगर डायगोनल मैट्रिक्स है ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है ए वन वन ए टू टू ए एन एन इसका इनवर्स जो होगा वही डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा और सीधे आपको यहां पर इनवर्स कर देना A11, का इन्वर्स, A22, का इन्वर्स, A33, का इन्वर्स, इस तरीके से बशर्ते कोई भी AII जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स तो हो जाएगा और उसका उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लिया आपके पास आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है one, zero, zero, two, zero, 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 इसका जो इन्वर्स आएगा इसका जो इन्वर्स आएगा कोई दिक्कत नहीं है इसका आप केवल उल्टा कर दो वन बाई टू वन बाई फोर खत्म ठीक है खत्म आई बात समझ में इन्वर्स का डिटर्मिट निकालोगे तो वन अपॉन ये हो जाएगा इनवर्स ट्रांसपोज का इन्वर्स इनवर्स का ट्रांसपोज यानी इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में आप इंटरचेंज कर दें कोई दिक्कत नहीं है पहले इन्वर्स निकालने तब ट्रांसपोज नहीं या पहले ट्रांसपोज निकालने तब इनवर्स ने कोई प्रॉब्लम नहीं ए इंटू बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है इनवर्स किसमें है इनवर्स कहां से आएगा एडजॉइंट से आएगा और एडजॉइंट से एडजॉइंट में क्या है रिवर्स लॉ लग रहा है तो सब जगह रिवर्स लॉ लगेगा ठीक है आते हैं सवाल छोटू आते हैं इससे क्यों नहीं आते है? बिल्कुल आते हैं के इंटू ए इनवर्स है तो के का वन बाई लिख दोगे और ए इनवर्स हो जाएगा इन

डिवाइडेड बाई डिटर्मिनाट ऑफ ए बराबर आई ध्यान से देखिए अब ये एक मैट्रिक्स है ए गुने बी मैट्रिक्स ये गुने बी मैट्रिक्स आई है तो इसका इन्वर्स होगा मतलब ए गुने बी आई है तो ये इन्वर्स होगा इसका और ये इन्वर्स होगा इसका मतलब ये इन्वर्स होगा ए का तो ए इन्वर्स जो आएगा एट ज्वाइंट ऑफ ए बटर डिटर्मिनाट डिटर्मिनाट ऑफ ए अगर जीरो होगा तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा इसलिए डिटर्मिनाट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ठीक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ठीक है तो ये हो गया आपका ए इनवर्स इनवर्स का फार्मूला होगा ये याद रखेंगे अब अगर दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है अगर दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो दो ऑर्डर के मैट्रिक्स में आपको कितना आसान होता है एडजॉइंट निकालना ए बी सी डी एडजॉइंट ए निकालना है दो ऑर्डर के मैट्रिक्स में तो सिंपल सा है इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए डी ए और यहां साइन चेंज कर दीजिए काम कत डी साइंस चेंज कर दीजिए दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका एडज्वाइंट निकालना काफी आसान है डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए और दूसरा वाला जो सेकेंडरी डायगोनल है उसका साइन चेंज कर दीजिए ठीक है चलिए <laughs> ये ध्यान में रखो भाई ये ध्यान में रखो ये ध्यान में रखो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता ये बहुत ज्यादा आता है दो ऑर्डर वाला दो ऑर्डर वाला बहुत ज्यादा आता है तो उसको ध्यान में रखो ठीक है हाँ ना कुछ बोलना होता है सब आ करके नहीं होता है कि कुछ भी नहीं करना एकदम कितना भी हो जाए कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं बोलने वाला मैं तो झुकेगा नहीं मैं कमेंट करेगा नहीं मैं कुछ बोलेगा नहीं ठीक सो एट ज्वाइंट और इनवर्स का ये प्रॉपर्टीज है एट ज्वाइंट के बारे में इनवर्स के बारे में हमने बात कर ली अब इसके आधार पे कुछ सवालों को करते हैं अब इसके बारे में मतलब ये भी नहीं है ये ऑफलाइन नहीं है भाई यहां पर कुछ बोलोगे तभी तो पता चलेगा क्या करना है आगे कैसे बढ़ाना है आराम से बैठ गए केवल उससे थोड़ा ही होगा चलिए तो फटाफट से, से सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार लाइक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपका शुरुआत हो चुका है होता तो बताते नहीं नहीं होगा तभी तो मैंने छोड़ दिया ना नहीं हो रहा होगा तभी तो बोल दिया ए बी एस थ्री मैट्रिक्स सच द्वाइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एट ज्वाइंटर्मिनाट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनाट ऑफ बी अब सारे प्रॉपर्टीज का है खेल है। जितने भी प्रॉपर्टीज है वो याद है तभी आप बना पाओगे वरना फंस जाओगे क्या क्या कहा जा रहा है एट ज्वाइंट ऑफ ए दिया हुआ है एट ज्वाइंट ऑफ ए दिया हुआ है ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है यस और नो अब आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है तो आप यहां पर बी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनाट कितना यहां से निकाल लो टू माइनस वन वन माइनस वन जीरो टू टू सॉरी वन माइनस टू माइनस वन एट ज्वाइंट ऑफ ए दिया हुआ तो इसका डिटर्मिनाट निकालेंगे कितना आएगा दो गुने ये जीरो माइनस माइनस प्लस फोर तो चार गुने दो आठ माइनस माइनस प्लस वन वन ये गया माइनस टू माइनस वन ये गया और ये गया ये कितना आ जाएगा प्लस टू आठ दो दस एक नौ एट ज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट होता है डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन तीन ऑर्डर का है तो यहाँ दो होगा तो नाइन तो डिटर्मिनाट ऑफ ए बराबर प्लस माइनस तीन ठीक है बी का डिटर्मिनाट क्या होगा बी इज ऑफ ऑफ ए बी का डिटर्मिनाट होगा डिटर्मिनाट एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनाट होता तो है एन माइनस वन का होल स्क्वायर एन माइनस वन मन तो तीन माइनस दो का होल स्क्वायर तो दो दून चार डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर चार तो ये हो जाएगा तीन ती आई नौ इक्यासी अब यहां से जो पूछा जा रहा है डिटर्मिनाट ऑफ ए जो है लेमडा है डिटर्मिनाट ऑफ ए लेमडा है तो मॉड लेमडा कितना होगा तो मॉड डिटर्मिनाट ऑफ ए अगर लेमडा है तो लेमडा बराबर प्लस माइनस तीन तो लेमडा मॉड लेमडा तीन हो जाएगा ठीक है अब यहां से इसको निकालकर देखो म्यू बराबर क्या दिया हुआ है डिटर्मिनाट ऑफ बी इनवर्स का ट्रांसपोज अभी मैंने बताया था इनवर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज मतलब पहली बात तो ये हो गई कि डिटर्मिनाट में ट्रांसपोज रखो और ट्रांसपोज हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है और इनवर्स में अभी मैंने बताया कि इनवर्स बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पावर माइनस वन तो ये हो जाएगा वन बाई इक्यासी तो म्यू आ गया वन बाई इक्यासी और ये हो गया तीन ए इज द राइट आंसर सिंपल सा आपका सिंपल सा आपका प्रॉपर्टी का ही खेल है ये इनवर्स डिटर्मिनाट से बाहर चला जाएगा ये ट्रांसपोज का इस ट्रांसपोज का डिटर्मिनाट और बिना ट्रांसपोज का दोनों बराबर होता है ट्रांसपोज हटा दीजिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वॉट फॉर्मूला इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी इफ यू रिमेंबर यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड याद रखना ही है मतलब एक तो समस्या क्या होती है याद नहीं रहता समझ में नहीं आता तो पहले याद रहेगा फॉर्मूला तो सोच पाओगे समझ पाओगे कि कहा क्या गलती हो रही है क्यों नहीं बन रहा है जब नहीं आता तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कहीं से कोई आइडिया नहीं लगेगा यह है आपका दूसरा सवाल चलिए क्या कह रहा है इफ द मैट्रिसेस ए बी और सी सब अलग अलग दिया हुआ है एट ज्वाइंट ऑफ बी एट ज्वाइंट ऑफ बी मतलब यहां से देखो बी दिया हुआ है एट ज्वाइंट ऑफ ए एट ज्वाइंट ऑफ बी क्या होगा एट ज्वाइंट ऑफ बी की जगह रखेंगे तो एट ज्वाइंट ऑफ ए अच्छा जी और एट ज्वाइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका डिटर्मिनाट मतलब इसका डिटर्मिनाट इसका डिटर्मिनाट तो डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर कितने ऑर्डर का तीन ऑर्डर का है तो एन माइनस वन थ्री माइनस वन का स्क्वायर तो डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर फोर आ जाएगा और ये ए पता है तो डिटर्मिनाट ऑफ ए कितना आएगा डिटर्मिनाट ऑफ ए कितना आएगा तीन ती आई और चार तेरह ये और ये खत्म तीन माइनस चार माइनस खत्म माइनस वन और माइनस चार माइनस आठ चौदह आठ छह डिटर्मिनाट ऑफ ए कितना आ गया सिक्स डिटर्मिनाट ऑफ ए कितना आ गया सिक्स अब आपके पास डिटर्मिनाट ऑफ सी पूछ रहा है डिटर्मिनाट ऑफ सी सी बराबर थ्री ए है तो डिटर्मिनाट ऑफ थ्री ए ऐसा कुछ लिखेंगे अभी आपको मैंने बताया था कि डिटर्मिनाट में अगर यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आएगा तो उसका पावर एन होगा तो थ्री का पावर थ्री होगा और डिटर्मिनाट ऑफ ए डिटर्मिनाट ऑफ ए कितना आया सिक्स थ्री का पावर थ्री इंटू सिक्स अब आपसे जो पूछा जा रहा है उस पर जरा एक नजर डालिए एट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी एट ऑफ बी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर फोर डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर फोर मतलब सिक्स का पावर फोर और डिवाइडेड बाय थ्री का पावर थ्री इंटू सिक्स एक सिक्स से एक सिक्स कट जाएगा तो सिक्स का पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री का पावर थ्री टू का पावर थ्री विच इज एट एट इज द राइट आंसर ऑप्शन ए ठीक है एकदम जो कह रहा है 2019 हजार यही बीस इक्कीस यही पेपर आपके सामने है यही सब का क्वेश्चन है सिर्फ फार्मूला जो कह रहा है उसके अनुसार लगाते जाइए डिटर्मिनेंट एड ज्वाइंट दो बार है तो एन माइनस वन का स्क्वायर अभी मैंने सिखाया था कि ये जो आपका रहेगा इसमें कुछ कांस्टेंट वो बाहर आएगा तो उसका पावर एन होगा सारी चीजें ठीक है कोई परेशानी बताइए इस सवाल में कोई दिक्कत आगे बढ़ा जाए चलिए फटाफट इफ बी इज इक्वल टू दिस इज द इनवर्स ऑफ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ए ये जो है बी जो है इनवर्स है ठीक है बी जो है क्या है इनवर्स ऑफ ए है बी जो है इनवर्स ऑफ ए है ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स है दोनों तरफ आप डिटर्मिनाट ले सकते हैं डिटर्मिनाट ऑफ बी बराबर डिटर्मिनाट ऑफ ए इनवर्स दोनों मैट्रिक्स बराबर है जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड हमने दोनों तरफ डिटर्मिनाट ले लिया इसका ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स बराबर है तो दोनों का डिटर्मिनाट भी बराबर होगा डिटर्मिनाट अब माइनस दो और माइनस थी माइनस ट्वेंटी फाइव ये और ये कैंसल uh, कितना आ जाएगा माइनस अल्फा तो माइनस माइनस प्लस टू अल्फा स्क्वायर जीरो माइनस टू माइनस टू अल्फा

और प्लस वन इज तो इक्वल टू, अल्फा और टू अल्फा और फाइव तो जीरो सिंप्लीफाई करोगे इक्वल टू, अल्फा टू तो जीरो। अल्फा तो कितना? अल्फा तो आपका फोर और माइनस थ्री बोल रहा है uh, दोनों को जोड़ दोगे चार और माइनस तीन एक आएगा सी विल बी द राइट आंसर राइट आंसर बोलिए ठीक है आई बात समझ में क्वेश्चन क्या रहा है बी इज द इनवर्स ऑफ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ए बी इज द इनवर्स ऑफ ए तो बी को लिख रहे हैं इनवर्स ऑफ ए ऐसा लिखा वो ने, उन्होंने शब्दों में कहा हमने मैथमेटिकली लिखा अब दोनों का चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात हो रही तो ए का डिटर्मिनाट तब तो आएगा हम इधर डिटर्मिनाट चाहते हैं तो तो इधर भी कर लेते हैं तो दोनों तरफ ले लिया में प्रॉपर्टी होता है जो पावर है, इधर उधर आप अंदर बाहर कर सकते हो इनवर्स में बाहर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और उसके बाद इसका मैट्रिक्स दिया डिटर्मिनाट निकाल सकते हो सॉल्व कर दो ठीक है नेक्स्ट अब देखो इसमें गुना करोगे एक सीक्वेंस पकड़ोगे इसमें गुना करते जाओगे ऐसे करके तो ये ऐसा आ जाएगा ये वन रहेगा ये जीरो रहेगा और ये भी वन रहेगा लेकिन यहां पर जो ये एलिमेंट जुड़ता चला जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अब टू एन ऐसे केसेस में आपको समझना होता है और वो कैसे समझते हैं तो आपको पहला दूसरा गुना क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स गुना हो रहे हैं तो सारे मैट्रिक्स को गुना करके पैटर्न पकड़ोगे इन दोनों गुना करोगे फिर इन दोनों गुना और इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर वाला एलिमेंट जुड़ता चला जाएगा एंड दिस दिस इज इक्वल टू अगर इसके बराबर है तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 एन माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू सेवेंटी एट एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस वन फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो कितना आ जाएगा एन का वैल्यू एन का वैल्यू कितना आ जाएगा एन का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए फटाफट तेरह और माइनस बारह क्या तेरह और माइनस बारह एन बराबर तेरह और माइनस बारह तो बोल रहा है इनवर्स ऑफ दिस इसका इनवर्स निकालने की बात चल रही है यहां पर एक बराबर एक बार रखोगे एन बराबर माइनस बारह एक बार रखोगे एन बराबर तेरह और एक बार रखोगे एन बराबर माइनस बारह एन बराबर तेरह रखोगे तो ते, मैट्रिक्स आ जाएगा वन तेरह जीरो वन ए ए एनवर्स क्या होता है एट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनाट ऑफ ए मैंने कितनी अच्छी बात बताई डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां वन है तो वन ही हो जाएगा एड्ज्वाइंट ऑफ ए कितना होगा एडज्वाइंट मैंने बताया था अभी इन दोनों को इंटरचेंज कर दो वन और वन को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो दिस विल माइनस थर्टीन और जीरो अगर कोई ऑप्शन है वन माइनस थर्टीन जीरो वन तो ये हो जाएगा और नहीं तो फिर एन बारा माइनस बारह रखोगे यहां पर माइनस यहां माइनस बारह रखोगे तो उसका इन्वर्स होगा प्लस बारह प्लस बारह कोई नहीं है तो सिर्फ इसी से आएगा इसका वाला नहीं आएगा ठीक है अब ये दो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालने वाली बात इन दोनों को इंटरचेंज करो इन दोनों को इंटरचेंज करो यहां पर इसको और यहां पर इसको और इसका साइन चेंज करो ये याद रहेगा फटा फटाफट बना जाएगा फटा फटाफट समय भी बचेगा समय की भी बचत होगी समय की भी बचत होगी नहीं तो बनेगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइए कितना आ रहा है और इसी एट ज्वाइंट इनवर्स डिटरमिनेंट इन सब के आधार पे हम लोग सवाल करेंगे इन सबके आधार पे हम लोग सवाल करेंगे फिर uh, शाम वाले सेशन में लेट ए एंड बी बी टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस ए और बी जो है दो इनवर्टिबल मैट्रिसेस है इनवर्टिबल मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ऑफ दिस इसका डिटरमिनेंट का मतलब दिया हुआ है इसका डिटरमिनेंट दिया हुआ तो इसका पूछ रहा है. अरे बहुत ही आसान सवाल है भाई डिटरमिनेंट ऑफ पहला है ए बी ए ट्रांसपोज ऐसे पढ़ रहे हैं आप कि प्रोडक्ट में अलग-अलग कर लेंगे ए डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज

यहां से आ जाएगा डिटर्मिनाट ऑफ ए बराबर एट इंटू डिटर्मिनाट ऑफ बी वन बाई इसको यहां रख दो बी बराबर, hmm, बराबर रख दो determinant ऑफ ए का होल स्क्वायर और बी बराबर रख दो डिटर्मिनाट ऑफ ए बाई एट और बराबर एट तो so, determinant ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा फोर डिटर्मिनाट ऑफ ए का वैल्यू फोर आ गया तो डिटर्मिनाट ऑफ बी का वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू डिटर्मिनाट ऑफ ए और बी दोनों सॉल्व होकर आ गया तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना सिक्वेंस में भाई साहब दिया है और पूछ रहा है डिटर्मिनाट ऑफ बी डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनांट ऑफ बी ट्रांसपोज आपको समझाने के लिए मैं एक एक चीज को लिख रहा हूं वरना आप डायरेक्ट मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं डिटर्मिनांट ऑफ बी यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनाट ऑफ ए इनवर्स यहाँ हो जाएगा और डिटर्मिनाट ऑफ बी ट्रांसपोज यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनाट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है फिर डिटर्मिनेट ऑफ बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू डिटर्मिनाट ऑफ बी तो ये इसके बराबर आ जाएगा डिटर्मिनेट ऑफ बी का होल स्क्वायर और डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स को बाहर निकाल दोगे ये इनवर्स बाहर आ जाएगा डिटर्मिनाट ऑफ बी आ जाएगा वन बाई फोर यहाँ से वन बाई टू रखने के बाद ए का वैल्यू आपको दिया हुआ चार तो चार का पावर माइनस वन माइनस वन बाई चार वन बाई सिक्सटीन आंसर विल बी वन बाई सिक्सटीन आंसर विल बी वन बाई सिक्सटीन ठीक है, चलिए नेक्स्ट ठीक है यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जो आपको बार बार नजर आएगा कॉस थीटा माइनस यहां माइनस साइन रहेगा या यहां माइनस साइन रहेगा दोनों में एक जगह यहां पर कॉस कॉस रहेगा इसमें ए का पावर एन करोगे जितना बार ए स्क्वायर ए क्यू जितना बार करोगे वो कॉस एंगल में, में केवल गुना होगा सिर्फ एंगल में गुना होगा ये ध्यान में रख लो ठीक है ऐसा कुछ अब बोल रहा है देन द मैट्रिक्स ए का पावर माइनस फिफ्टी अभी आपको बताया गया था A का पावर माइनस फिफ्टी को ऐसे लिख सकते हैं ए का पावर माइनस फिफ्टी या इसको लिख सकते हैं का पावर फिफ्टी का पावर माइनस वन अब यहां पर थीटा के बराबर पाई बाई थीटा पाई बराबर पाई बाई ट रख करके आप यहां पर रखने जाओगे तो ये आपको अभी गुमराह कर रहा है तो आपको गुमराह नहीं होना है आपको भटकना नहीं है ये सिंपल सा ऐसा दिया है आपको एक अ पावर फिफ्टी चाहिए तो आप एक अपावर फिफ्टी यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एक अपावर फिफ्टी डायरेक्ट लिख सकते हैं ठीक है यहीं पर आप इसको लगा दीजिएगा तो एक अ पावर फिफ्टी आप लिख सकते हैं इसको मैं हटा देता हूं एक पावर फिफ्टी कॉस फिफ्टी थीटा और थीटा पर अगर पाई बाई टूएल्व दिया ही है तो पाई बाई टूएल्व रख देते हैं माइनस साइन फिफ्टी ये लास्ट में भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है साइन फिफ्टी कॉस पचास पाई बाई ट्वेल्व में से आप इसको बारह चौक अड़तालीस अड़तालीस पाई बाई ट्वेल्व खत्म हो जाएगा कितना बजेगा टू पाई बाई ट्वेल्व तो पाई बाई सिक्स कॉस पाई बाई सिक्स कितना होता है रूट थ्री बाई टू साइन फाइव बाई सिक्स माइनस वन बाई टू ये हो जाएगा वन बाई टू इसी का इन्वर्स निकालना इसी का इनवर्स निकालना तो इसका इनवर्स निकालना दो ऑर्डर का अगर जो मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स निकालना काफी आसान है इसका आप एट अपॉन डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनाट वन आएगा इसका डिटर्मिनेंट वन आएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस वन आएगा ठीक है ठीक है तो अब इसका इनवर्स निकालने की बात करें मैंने क्या बोला इसका आप देखो ना नाइन साइन मतलब इसका डिटरमिनेंट तो बनाएगा आएगा और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या सीखा है इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वही रह जाएगा और यहां पर जो उसका है उसका साइन चेंज करना यहां वन बाई टू है इसको माइनस वन बाई टू करोगे यहाँ माइनस वन बाई टू इसको वन बाई ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इंटरचेंज हो गया इस तरीके से मत सोचना इंटरचेंज ये डायगोनल होगा और ये दोनों का साइन चेंज होगा सिर्फ तो रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू कोई है क्या रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू यह आएगा सी रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू वन बाई टू दो ऑर्डर के दो ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो आपको इनवर्स निकालने के लिए सिखाया मैंने उसको रट लो बहुत काम का है रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे सवाल इस तरीके के इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आए हुए हैं चलिए नेक्स्ट Next, here. फटाफट पड़। ए बराबर अब देखिए ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ए दिया हुआ है ए इंटू एडजॉइंट है आप गुना करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए ए इंटू एडजॉइंट है ए इंटू ए ट्रांसपोज दिया है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से आप गुना कर दो दोनों तरफ ए इनवर्स से आप गुना कर दो बोलो सर क्यों अपने मन से अपने मन से बहुत सारे काम करते हैं भाई

Adjoint, इसका निकालना आसान है इन दोनों को इंटरचेंज कर दो ये टू हो जाएगा ये 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 हो 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 जाएगा। जाएगा, जाएगा, और 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 इसका change कर दो, ये B हो जाएगा, ये adjoint, और A transpose कितना होगा? हो अब दोनों को अगर आप इसको दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है ये आपको आसानी से बनेगा वरना आप ये इंटू एडजॉइंट ज्वाइंट और ए इंटू ए ट्रांसपोज गुना करने जाओगे इक्वेट करने जाओगे दैट विल किल टाइम उससे आपको परेशानी होगी उसमें आप फंस जाएंगे ठीक है तो हमने क्या किया कि अपने मन से दोनों तरफ ए से गुना किया और प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर वाली बात बताई थी मैंने अगर बाएं गुना कर रहे तो यहां भी बाएं गुना करेंगे इधर राइट साइड में गुना कर रहे थे, तो इधर भी राइट साइड में गुना करेंगे दोनों तरफ एक ही एक ही साइड गुना करना है अब बराबर कर दीजिए तो यहां से फाइव ए बराबर टू और यहां से बी इज इक्वल टू थ्री सिंपल आपसे पूछ रहा है प्लस कितना होगा? दो प्लस तीन पांच क्या एकदम मतलब झरनाटेदार झरनाटेदार एकदम मस्त वाला मस्त वाला मारा रे रहे है? अगर इसके अलावा किसी और मेथड से आप कोशिश करेंगे कि पहले कैलकुलेट कर लें निकाल लें तो निकल लीजिए चलिए अगेन इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो होता है समल्टेनियस इक्वेशन उसके बारे में बात कर लेंगे सॉल्यूशन ऑफ समल्टेनियस इक्वेशन अगर उस प्रॉपर्टी से बनाओगे शिशुपाल बाबू तो बहुत समय लगेगा ए इनटू ज्वाइंट ए वाली वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि जो हमने बताया है वो एकदम मतलब सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ चलिए बनाइए इसको बहुत आसान सवाल है और जितने भी क्वेश्चंस कराए मैंने सारे के सारे आपके पूछे हुए सवाल हैं हैं मेन में में आए हुए सवाल एडवांस ये देखिए पी पी इज द ऑफ ए क्रॉस मैट्रिक्स जो है ना क्या बोला एट ज्वाइंट एट ज्वाइंट किसका ए आप वैसे लिखिए जो आपको यहां कहा जा रहा है उसको आप शब्दों में लिखिए ठीक है अब इस तरीके से लिख दिया बोलता है अच्छा ए पी पता है तो पी का डिटर्मिनाट निकाल सकते हैं का डिटरमिनेंट लेंगे तो इसके बराबर इधर का डिटरमिनेंट आएगा डिटरमिनेंट ऑफ पी यहां से निकल के आ जाएगा यहां से चार ती आई बारह और माइनस चार ती आई बारह जीरो हो गया ठीक है ये और ये। और दो प्लस टू अल्फा हो जाएगा ये भी सही है ये और ये चार माइनस छाइनस दो माइनस सिक्स हो जाएगा बराबर डिटर्मिनाट ऑफ ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा इसका डिटर्मिनाट डिटर्मिनाट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन थ्री माइनस वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वहां दिया हुआ चार चार का पावर दो यहां से आ गया टू अल्फा और माइनस सिक्स बराबर सोलह अल्फा बराबर ग्यारह ये आपका जवाब हो गया अल्फा बराबर ग्यारह ये आपका जवाब हो गया पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बेस्ट मतलब प्रॉपर्टी आप याद रखिये रिजल्ट आप याद रखिये फॉर्मूला याद रखे सवाल नहीं बनेगा सवाल ही नहीं उठता सवाल के नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता है। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसमें आपको जिस तरीके की बातें ध्यान में रखनी है वो हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बताते हैं पहला कि आप डिटर्मिनांट मेथड से क्रामर्स रूल जो होता है आप उससे सॉल्व करते हैं ठीक है डिटर्मिनांट मेथड से ये जो आपका कोफिशियंट है उसको एक डिटर्मिनाट बनाते हैं ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री ये आपका क्या हो गया डिटर्मिनांट हो गया ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया कॉफिशियंट से, से अब यहां पर एक डिटर्मिनाट आपको निकालना है एक डिटर्मिनाट आपको निकालना है एक्स वाला को हटा करके आप डी वन डी टू डी थ्री रख दीजिए डी वन डी टू डी थ्री रख दीजिए यह आ जाएगा बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री ठीक है अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो इसके जगह पर ये उठा के रख दें अगर डी वन के जगह पर ये उठा के रख दें थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं जाएगा टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड यहाँ से हो जाएगा ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई और प्लस सी थ्री जेड और ये जो है बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू डिटर्मिनाट में एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम को आप मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा सकते हैं हम इसमें कॉलम वन को हम क्या कहना चाह रहे हैं कॉलम वन को हम कह रहा चाह रहे हैं कॉलम वन और माइनस वाई इंटू कॉलम टू और माइनस जेड इंटू कॉलम थ्री इसमें वाई से गुना करोगे घटा दोगे तो बी वन वाई ये कट जाएगा इसमें जेड से गुना घटा कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए वन एक्स ए टू एक्स ए थ्री एक्स बी वन बी टू और बी थ्री बोलिए. अब अगर गौर से देखे तो एक्स लेंगे, देखिए ए वन ए टू एन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री मजेदार है ना ये वही है जो है माने ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू यानी दिस इज नथिंग बट डेल्टा एक्स नाउ सी व्हाट अ

जेड बराबर क्या लिखोगे डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा तो आप क्रैमर्स रूल से आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं अब डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या होगा तो डेल्टा वाई डेल्टा जेड में यहां लिख देता हूं वाई लिखना है तो वाई के जगह हटा दो ए वन ए टू ए थ्री यहां रख दो डी वन डी टू डी थ्री डेल्टा जेड क्या होगा तो जेड वाला हटा दो ये वाला ए वन ए टू ए थ्री b1 b2 b3 यहाँ आ जाएगा d1 d2 ये तो डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z आपने निकाल लिया और ये आपको आपने रटा जरूर होगा ये अगर आप नहीं समझे तो यहां पर समझने का मौका है कि x बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा कहां से आता है किस तरीके से आता है ये आपके सामने हमने आज प्रूफ करके दिखा दिया तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं समझ सकते हैं कैसे आता है अब है चुकी X एक्स बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा है तो ये नीचे में जो डिनोमिनेटर है अगर वो जीरो हो गया तो अगर वो जीरो हो गया तो तो वो अगर जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो डिफाइंड ही नहीं होगा समथिंग अपॉन जीरो डिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब अगर सोल्यूशन देखना है सोल्यूशन देखना है लेकिन ये एक्चुअली में ये है एक्चुअली में ये है अगर डेल्टा जीरो हो गया तो एक्स गुना जीरो डेल्टा एक्स हमेशा जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकता है और डेल्टा एक्स अगर नॉन जीरो नॉन जीरो नहीं करेगा इस तरीके से अगर जो हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी जानकारी आपके पास मिल सकती है कि अलग अलग केसेस जब सोल्यूशन होता है तो उसको आप कहते हैं कंसिस्टेंट तो वेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो यूनिक सोल्यूशन होगा क्या होगा यूनिक मतलब इकलौता सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट कहते हैं जब सॉल्यूशन आए तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं क्या कहते हैं कंसिस्टेंट व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो मतलब डेल्टा एक्स जीरो है डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जो में कोई एक कम से कम नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट अब हो गया तीसरा व्हेन डेल्टा बराबर जीरो और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सब जीरो है इसके केस में इसके केस में क्या होगा यहां से देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सब जीरो जीरो है और यह जीरो वैल्यू सेटिसफाई करेगा एक्स कुछ भी रखो जीरो तो कुछ भी हो सकता है सेटिस्फाई करेगा यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन लेकिन एक शर्त में छोड़ करके एक शर्त में छोड़ करके <coughs> मतलब इस केस में इस केस में आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन भी होंगे और नो सोल्यूशन भी होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होंगे और नो no सॉल्यूशन भी होंगे नो सॉल्यूशन कब होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द को फैक्टर एटलीस्ट वन को फैक्टर इन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो इज नॉन जीरो और बाकी समय में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा अच्छा d1 d2 d3 ये सब के सब जीरो हो जाए तो उसको होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन कहते हैं होमोजेनियस क्या कहते हैं होमोजेनियस कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन उसको क्या कहते हैं होमोजेनियस कहते हैं उसको क्या कहते हैं होमोजेनियस कहते हैं, कहते है? कहते हैं। <coughs> मैं इसको हटाता हूं मैं इसको हटाता हूं होमोजिनियस सिस्टम ऑफ समेनियस इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होगा आपका कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू जेड बराबर जीरो थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई और प्लस सी थ्री जेड बराबर जीरो तीनों जीरो होगा ये तीनों जीरो होगा ठीक है अब यहां से इस केस में अगर जो आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालोगे तो डी वन डी टू डी थ्री जो राइट साइड वाला है डी वन डी टू डी थ्री ये तीनों के तीनों जीरो हैं अगर तीनों के तीनों जीरो हैं डी वन डी टू डी थ्री तो डेल्टा एक्स में डी वन डी दी टू डी थ्री डेल्टा एक्स में डी वन डी टू डेल्टा वाई सारे के सारे जीरो होंगे क्योंकि किसी भी रो का किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो तो वो तो ही जीरो हो जाएगा इसका मतलब जिस केस में डी वन डी टू डी थ्री जीरो है उस समय में आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये तो जीरो होगा अब सारा खेल डेल्टा पे है डेल्टा अगर नॉन जीरो हुआ डेल्टा अगर नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सोल्यूशन होगा अकेला सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन होगा और वो सोल्यूशन क्या आएगा एक्स वाई जेड जीरो, जीरो, जीरो। इसको जीरो वाइजेडन कहते हैं इसको जीरो सोल्यूशन कहते हैं या ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं जीरो सोल्यूशन मतलब ऑल एक्स वाई जेड आर एक्स वाई जेड रखोगे जीरो होगा जीरो सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन जीरो सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन ठीक है जीरो सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन ठीक है ट्रिवियल का मतलब होता है ऑब्बियस सोल्यूशन एक्स वाई जेड यहां पर जीरो यहां पर जीरो यहां पर जीरो तो समथिंग उन्हें जीरो समथिंग उन्हें जीरो समथिंग जीरो ये तो जीरो होगा ही होगा सेटिस्फाई करेगा ही यानी तीनों को सेटिस्फाई करेगा तीनों को सेटिस्फाई करेगा उसी का नाम है या तो जीरो सोल्यूशन क्योंकि सब जीरो है या ट्रिवियल सोल्यूशन ऑब्वियसली यह सेटिस्फाई करेगा ऑब्बियसली यह सेटिस्फाई करेगा ठीक है ठीक है अब बात करते हैं आगे अब डेल्टा बराबर जब जीरो आ गया तो वो तो डेल्टा जीरो नहीं है जब डेल्टा बराबर जीरो होगा जब डेल्टा बराबर जीरो होगा तो बाकी के क्या है जब डेल्टा बराबर जीरो है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो जीरो है तो बाकी के अगर जीरो है तो डेल्टा भी जीरो है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सब जीरो है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा उस इनफाइनाइट सोल्यूशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन में इस सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन में यह सोल्यूशन भी होगा जीरो 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 वाला भी होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जीरो 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 वाला भी होगा उसके अलावे भी सॉल्यूशन होंगे तो उसके अलावे जो सॉल्यूशन होंगे वो आप कहोगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसको क्या कहोगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन

सोल्यूशन तो आप अलग अलग तरीके से सवालों को फ्रेम किया जा सकता है लेकिन नॉन ट्रिवियल की बात करेगा तो डेल्टा बराबर जीरो व्हाट इज डेल्टा कॉफिशियंट का डिटर्मिनाट कॉफिशियंट का डिटर्मिनाट ठीक है सबसे ज्यादा चार मार्क्स के जो सवाल आने के चांस है आपको डिटर्मिनाट में सबसे ज्यादा गारंटी इसी का है मतलब अगर जो आपसे पूछा जाए कि आ, मतलब एक सवाल डिटर्मिनाट से आएगा तो परसेंटेज क्या होगा यहां से आने का अस्सी प्रतिशत से ज्यादा एट्टी परसेंट से ज्यादा चांस नाइनटी परसेंट से ज्यादा चांस है कि इसी से आएगा डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन वाले पॉइंट से ठीक है ठीक है एक और छोटी सी बात यहां पर हम आपको बताते चले आगे इस्तेमाल भी करेंगे ये जो लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में दिख रहा है इस इक्वेशन को अगर दो वेरिएबल में इक्वेशन होता है चुकी ये तीन वेरिएबल है दो वेरिएबल में इक्वेशन होता है किसको रिप्रेजेंट करता दो वेरिएबल में अगर इक्वेशन होता तो ये रिप्रेजेंट करता स्ट्रेट लाइन को ये 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 तीन वेरिएबल में है तो स्टेट ये ये किसको रिप्रेजेंट करेगा स्पेस में प्लेन को तो ये एक प्लेन है ये भी एक प्लेन है ये भी एक प्लेन है, है तो तीन प्लेन आपस में एक पॉइंट पे मिलता है तो एक सॉल्यूशन इनफाइनाइट पॉइंट में मिलता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कहीं नहीं मिलता है तो नो no सोल्यूशन तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन को इस कॉन्सेप्ट का भी हम इस्तेमाल करेंगे सहारा लेंगे सवालों को बनाने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से शुरुआत करते हैं एक सवाल से ठीक है चलिए क्या बोल रहा है सिस्टम ऑफ लिनियर क्योंकि यहां पर जीरो है. है ये direct बोल रहा है, has a solution. तो आप यहां से इसका 1 वन वन माइनस लेमडा एंड दिस इज टू बी जीरो इसको जीरो कर दो और सॉल्व करके जो भी लेमडा का वैल्यू आता है तो सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा कितना uh, लेमडाइन और माइनस माइनस प्लस वन माइनस लेमडा ये गया और ये गया माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस वन माइनस वन इंटू लेमडा प्लस वन बराबर जीरो यहाँ हो जाएगा लेमडा प्लस वन माइनस माइनस प्लस लेमडा क्यू और माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस वन बराबर जीरो हो गया लेमडा क्यू माइनस लेमडा और वन माइनस वन कितना हो गया जीरो जो गया लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस वन लेमडा बराबर जीरो वन और माइनस वन एग्जैक्टली थ्री वैल्यूज ऑफ लिमडा एग्जैक्टली थ्री वैल्यूज ऑफ लिमडा एक बोल रहे हैं एग्जैक्टली थ्री वैल्यूज ऑफ लेमडा आपके पास तीनों आ गया ना जीरो वन और माइनस वन चेक कर लीजिए इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता तो है नहीं ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता तो है नहीं कि भैया सिंपल सा नॉन ट्रिवियल की बात कर रहा है नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट जीरो कर दो डिटर्मिनेंट जीरो कर दिए लेमडा का वैल्यू आ गया क्लियर है क्लियर है बोलिए चलिए इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है कुछ और निकालने के लिए कहा जा सकता है सवालों का तरीका पूछने का वही रहेगा सवालों का तरीका पूछने का वही रहेगा कुछ अलग अलग बातें पूछ दी जाएंगी लेकिन फ्रेमिंग वही रहेगा एक्स आप इसको एक तरफ कर लीजिए तो ये हो जाएगा सी वाई माइनस एक्स प्लस बी जेड इज इक्वल टू जीरो इसको कर लीजिए सी एक्स सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो नोट ऑल जीरो सारे के सारे एक्स वाई जेड जीरो नहीं और सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन को एक्स वाई जेड सारे जीरो नहीं और सेटिसफाई कर रहा है तो जरूर ये क्या हो गया नॉन ट्रिवियल वाली बात होगी और नॉन ट्रिवियल के लिए डेल्टा शुड बी जीरो और डेल्टा यहां पर ध्यान से लगाइएगा ध्यान से पहले एक्स का लिखना चाहते हैं तो यहां पर हम देखिए क्या लिख दिए वाई का नहीं एक्स का कॉफिशियंट लेना एक्स का कॉफिशियंट माइनस वन वाई का कॉफिशियंट आपका सी और जेड का कॉफिशियंट बी एक्स का कॉफिशियंट सी वाई का कॉफिशियंट माइनस वन ये गलती होती है सबसे होती है आपसे भी हो सकती है इसलिए ध्यान से मतलब ये नहीं कि यहां से उठाना शुरू किए सी माइनस वन बी सी माइनस वन वन बी लिख दोगे तो सब गलत हो जाएगा तो आपको समझ करके समझदारी के साथ ढंग से चलना है अब इतना बड़ा और जीरो कर दीजिए एक्सपैंड कर दीजिए कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है माइनस वन और प्लस ए स्क्वायर ये और ये गया कितना आ जाएगा प्लस ए बी सी और प्लस सी स्क्वायर बी वाले से गुना कर दीजिए ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू जीरो गौर से देखो क्या आ गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस टू ए बी सी एंड दिस इज इक्वल टू कितना? पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना One है। इसका वैल्यू कितना One है सिंपल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए बहुत प्यारा सवाल है 2020 या 21 का क्वेश्चन है बहुत प्यारा सवाल है इस तरीके के सवाल बहुत बार आ चुके हैं हमने भी रिपीटेड क्वेश्चंस रखे हैं कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता रहे और इसपे फिर से जब रात को आपका क्लास चलेगा आठ बजे वाले में तो उसमें भी सवाल किए जाएंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए देखिए लास्ट में हमने आपको क्या करवा दिया वेक्टर में आ, वेक्टर करवा दिया वन शॉट में वेक्टर को तोड़ करके दो हिस्से में थ्री को और तोड़ दिया क्योंकि वो बच्चों को कम विजुअलाइज होता है फिर आपको मैट्रिक से डिटर्मिनेंट करवा दिए तो वेक्टर थ्री डी मैट्रिक से डिटर्मिनेंट इसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिविजन करते रहो जब दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को देख लो और रात वाले सेशन में शाम वाला जो सेशन है आठ बजे वाला उसमें जुड़ करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा आप अच्छे कर सकते हैं

अब वो करने जाओगे तो लंबा फंसोगे मैं क्या कहूंगा इनफाइना का मतलब होगा कि तीन प्लेन है दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक प्लेन ये वाला तुम्हारा जिस रूम में बैठे हो वो एक दीवार एक दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कॉर्नर वाला नीचे में दिख रहा होगा उससे पास करने वाला प्लेन तीसरा प्लेन उसी से पास कर जाए तो लाइन पे बहुत सारा पॉइंट होता है और तीसरा प्लेन तीसरा प्लेन उसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास करेगा तो इनफाइना होगा इससे जो प्लेन पास करेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा ठीक है अब यहां से हम कहें अब यहां से हम कहें कि इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला तीसरा प्लेन इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला तीसरा प्लेन ये होगा कैसे हैं? तो लिखते हैं एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड पी वन प्लस लेमडा पी टू ऐसे हैं लिखते हैं ना प्लस लेमडा इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम लोग अल्फा ये होगा प्लेन वन प्लस अल्फा इंटू प्लेन टू बराबर जीरो इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द प्लेन्स दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन और तीसरा जो होगा उससे आप क्या कर दो कंपेयर कर दो तीसरा वही होना चाहिए तो इसको पहले यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया जाए एक्स टू प्लस लेमना इंटू वाई थ्री प्लस अल्फा इंटू जेड

ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही प्लेन का इक्वेशन है तो सेम प्लेन का इक्वेशन है तो दोनों को कंपेयर कर देंगे ठीक है अब यहां से सॉल्व करो इसको ये आ जाएगा थ्री प्लस थ्री अल्फा इज इक्वल टू टू प्लस अल्फा इधर आ जाएगा आपका टू अल्फाइज इक्वल टू माइनस वन अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू यहाँ इज़ इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा तो ये कितना जाएगा माइनस वन बाई टू यहां रखोगे तो वन बाई टू आ जाएगा अब इन दोनों को बराबर करो तो लेम्डा कितना आ जाएगा थ्री प्लस अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा यहां पर अल्फा बराबर ये रखोगे अल्फा बराबर ये रखोगे तो थ्री माइनस वन बाई टू फाइव बाई टू वन बाई टू कैंसिल होकर के फाइव आ जाएगा फिर यहां से आप इसको बात करो यहां से आप इसको बात करो यहां से इसके साथ म्यू बराबर आ जाएगा फाइव प्लस टू अल्फा डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा हो जाएगा फाइव माइनस वन अल्फा बराबर आप रख दोगे कितना माइनस हाफ तो फाइव माइनस वन फोर और वन बाई टू एट हो जाएगा तो लेमडा का वैल्यू फाइव और म्यू का वैल्यू एट लेमडा का वैल्यू फाइव और म्यू का वैल्यू एट क्या पूछ रहा है लेमडा एंड म्यू फाइव और एट सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर हाँ वैसे भी हो जाएगा लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा वो आपके लिए थोड़ा सा परेशान अच्छा आप खुद से सोचो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा ये चार डिटर्मिनाट निकालना या ये निकालना कौन आसान है खुद से बताओ वो निकालना चार डिटर्मिनेंट और उसको इक्वेट करना और या ये निकालना कौन आसान है बताओ बताओ कौन आसान है चलिए इसको देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसका आपके पास कैसा सोल्यूशन है नॉन जीरो सोल्यूशन है तो नॉन जीरो सोल्यूशन है तो इसका डिटरमिनेंट क्या करना पड़ेगा डेल्टा जीरो करना पड़ेगा डेल्टा इज इक्वल टू तो जीरो और डेल्टा आपके पास क्या आएगा टू टू ए टू थ्री बी ई टू फोर सी टी अरे बहुत बढ़िया तो बहुत को सारे में दो 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 चल रहा है मामला <coughs> अब इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए और इसमें से निकाल लीजिए कि क्या आता है एक्सपेंड कर दीजिए और निकाल लीजिए कि क्या आता है ठीक है चलिए कितना आएगा यहां से सीधे हम एक्सपैंडिंग कर देते हैं थ्री थ्री इंटू बी सी टू सिक्स बी सी माइनस इन और माइनस चार माइनस वन और माइनस बी सी ये गया और ये गया टू सी और माइनस टू बी या दो टू बी दोनों चार ए बी और माइनस चार ए सी आप भी एक्सपेंड कर लीजिए मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ एट ए सी माइनस तीन दोनों छी बराबर जीरो क्या गया? AB, 2 AB. -2 और, आ गया फोर ए बी और माइनस सिक्स ए बी टू ए बी माइनस टू बी सी और आठ माइनस चार आठ माइनस चार चार ए सी माइनस टू बी सी उधर जाके टू बी सी उधर जाके टू ए बी तो टू 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 कैंसिल हो गया टू 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 कैंसिल हो गया ए बी सी से डिवाइड कर दोगे तो बच जाएगा टू अपॉन बी यहाँ बच जाएगा वन अपॉन ए यहाँ बच जाएगा वन अपॉन सी ये हो गया वन वाई ए इन दोनों के बीच में रख दो वन वाई बी वन वाई सी ये ए पी में होगा दो का समेशन किसी दुगने के बराबर है तो उन दोनों के बीच में उसको रख दो वो एपी में आ जाएगा तो वन बाई वन वाई बी वन वाई सी एपी में होगा वन बाई ए वन बाई बी वन वाई सी एपी में होगा मतलब हर सवाल में आप देखो तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हो डेल्टा बराबर जीरो ये सवाल थोड़ा सा अलग है इस सवाल के मतलब है नहीं आप इसमें भी वही काम करते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो लगा लो लेकिन चूंकि वो लंबा मेथड होता है और इस मेथड से आप बहुत ही सहूलियत के साथ आराम से तुरंत निकाल लेते हैं कंपेयर करके तो इसको आप अलग से इसके लिए शास्त्रों में अलग जगह दी गई है तो इसके जगहों को अलग करके इसको कॉन्सेप्ट को और इस तरीके के सवालों को आप ध्यान में रख लीजिए

मतलब समय की सीमा निर्धारित कर दी जाती है आपको हम देते हैं दो मिनट का समय और फटाक से देखना है कि बनता है या नहीं फटाफट दो मिनट का समय क्या लग रहा है फिर से वही बात है एकदम जो अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली बात हमने बताई बेटा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ठीक है तो अभी जो लिम्डा और म्यू वाला आपने बनाया है सिर्फ उसी तरीके की बातें आपको मैंने बोला ना कि बहुत बार तो उसी तरीके की बातें आप लगाओगे कि सर इन दोनों का इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा को सेटिस्फाई करेंगे बस अल्फा और बीटा नाम बदल दिया लिमडा और म्यू कर दिया है लिमडा और म्यू कर दिया और कहीं कोई ये नहीं है इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक्स प्लस टू वाई और प्लस थ्री जेड और माइनस नाइन और प्लस इंटू वेरिएबल को आप नहीं मानना बराबर तो आप लिखोगे एक्स इंटू वन प्लस लेमडा प्लस टू प्लस लेमडा इंटू वाई और थ्री प्लस लेमडा इंटू जेड माइनस नाइन माइनस फाइव लेमडा बराबर जीरो ये जो प्लेन पास कर रहा है इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से और तीसरा वाला जो प्लेन है दोनों एक ही इक्वेशन एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों इक्वेशन तो इन दोनों को कंपेयर कर दोगे वन प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई एक्स का कॉफिशन टू प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई थ्री और यहां से जेड का थ्री प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई अल्फा इज इक्वल टू उसको कॉन्स्टेंट उधर लेके चले जाओगेड बाई बी सिंपलीफाई करोगे थ्री दोनों को अगर जो हम बराबर करें, करें तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से अल्फा इधर लेकर चल जाएंगे थ्री प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई वन प्लस लेमडा लेमडा का वैल्यू अगर आप माइनस हाफ रखते हैं तो ये फिर से फाइव ही आएगा फिर से फाइव ही आएगा अच्छा जी ये क्या आएगा यहां से इसको बराबर करते हैं तो बीटा का वैल्यू इन दोनों को बराबर करेंगे तो बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेकर चले जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेमडा का वैल्यू माइनस हाफ रखोगे लेमडा इज इक्वल टू माइनस हाफ रखोगे इसमें फिर से तो ये हो जाएगा नौ दो नौ अठारह माइनस पांच तेरह तेरह आ जाएगा अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बीटा माइनस अल्फाइन बीटा माइनस अल्फा बीटा इज थर्टीन अल्फा इज फाइव अल्फा इज फाइव थर्टीन माइनस फाइव विच विल बी एट एट सो बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर आपसे क्या पूछा जा रहा है बीटा माइनस अल्फा तेरह माइनस पांच विच इज एट आई बात समझ में आई बात समझ में ठीक है उसी तरीके का ये सवाल है ये एक सवाल है जैसे इसमें क्या रहता है अभी तक क्या था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के कंडीशन को अप्लाई करो यहां पर क्या बोल रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन सोल्यूशन एक्सजेड अपॉन वाई स्क्वायर क्या होगा मतलब ये नॉन जीरो सॉल्यूशन अगर इसका है तो एक्सजेड क्या होगा मतलब ऐसे केस में आपको क्या मिलता है ऐसे केस में जब सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है सॉल्व करने से एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग नहीं आते इन सोल्यूशन है तो एक्स और वाई जेड के रूप में आएगा जेड और वाई एक्स के रूप में आएगा कोई ना कोई दो जो है तीसरे के रूप में आएगा कुछ इस तरीके से होगा तो कोशिश करके देखिए और बताइए एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा सबसे पहली बात तो ये है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है बेटा डिटर्मिनांट तो जीरो करोगे या उसको भी भूल गए हो डिटर्मिनाट तो जीरो करोगे ना वन के थ्री थ्री के माइनस टू टू फोर और माइनस थ्री ऐसा लिखोगे ना ये भूल जाओगे लिखेंगे सर अब ये क्या आएगा बराबर जीरो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस थ्री के एट यहाँ से आ जाएगा यहाँ से माइनस फोर के तीन तिहाई नाइन के या ठीक है लिख दिया लिख दिया ये गया चार तिहाई बारह तिया छत्तीस थर्टी सिक्स और माइनस सिक्स के थर्टी सिक्स माइनस सिक्स के अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया इतना बराबर अच्छा इतना बराबर जीरो भी तो करना था ना इज इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा छोटे नौ माइनस चार और तीन माइनस सात और माइनस छ माइनस तेरह नौ माइनस तेरह माइनस छत्तीस आठ चौवालिस चौवालिस इज इक्वल टू फोर के के इज इक्वल टू इलेवन देखिए तो सही है क्या माइनस चार और माइनस तीन माइनस सात और बच गया दो यहाँ हो गया माइनस चार चार उधर चला जाएगा और छत्तीस आठ चौवालीस के बराबर ग्यारह ठीक के बराबर ग्यारह अब आपके पास यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगा एक्स प्लस एलेवन वाई और प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो यहाँ से क्या मिल जाएगा थ्री एक्स प्लस एलेवन वाई और माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो आप इन दोनों को ऐसा करिए मान ली इन दोनों घटा दीजिए घटाइएगा तो कितना आएगा घटाने से आ जाएगा माइनस टू एक्स इसको घटाएगा माइनस टू एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा जेड आ जाएगा माइनस फाइव सॉरी ये घटेगा ये जुट जाएगा प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू जीरो यहां से जेड आ गया कितना माइनस टू एक्स अपॉन फाइव सॉरी जेड आ गया कितना टू एक्स अपॉन फाइव

4 y to, x 5 2 x, 5 गुने दो दस माइनस चार एक्स बटा पांच चार चार माइनस एक्स बटाइव वाई आ गया जेड आ गया अब आपको जो निकालना है तीनों एक्स के रूप में आ गया यहां से समझने की कोशिश करो एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर चाहिए एक्स को आप एक्स रहने दो जेड कितना आया है टू एक्स अपॉन फाइव आया है वाई कितना आया है माइनस एक्स अपॉन फाइव आया है इसका स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा ये कुछ तो गड़बड़ कर दिए एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर कट गया अब पच्चीस पांच दोनों 10। दस कितना आ गया दस आ गया देखो तो गौर से दस तो है आंसर कैलकुलेशन चेक कर लो क्योंकि पता नहीं इसमें क्या है कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ये देख लेना भाई हमने क्या बोला कि जब भी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा उसमें से इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा उसमें से आपको एक्स वाई और जेड जो है ना किसी न किसी दो दो वेरिएबल किसी तीसरे के रूप में आएगा तो हमने z को भी x के रूप में लाया y को भी x के रूप में लाया सब x के रूप में तो x गुने एक्स एक्स कट जाएगा एक्स स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा नॉन जीरो मतलब x नॉन जीरो x नॉन जीरो है तो कैंसिल हो सकता है ना देख लो सही है या गलत एक बार देख लो है ना कैलकुलेशन सही है सारे बराबर ग्यारह रख दोगे आप ऐसे भी कर सकते थे मान लिया तीन और तीन को जोड़ दीजिए तो इससे आ जाएगा ग्यारह चार पंद्रह बाई और थ्री एक्स थ्री एक्स बराबर कितना पंद्रह बाई मैं इससे निकाल के देख लेता हूँ एक बार क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है खुद पे अभी भरोसा नहीं हो रहा है ज़्यादा देर आप खड़े रह जाइएगा और खड़े खड़े पूरा शरीर का हालत ख़राब हो जाता है और तुम्हारे लिए क्या है कि आराम से कुछ नहीं करना है सर इधर उधर क्यों शेयर करेंगे क्यों लाइक करेंगे सर नहीं मतलब आदमी घिसते रहे क्या फ़र्क पड़ता है तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो होता है ना बढ़ा जाता मामला ही ही आएगा calculation क्या ही गलत होगा 3X plus, मतलब एकदम खींच लेता है ये देखो तो जरा इन दोनों को जोड़ दो इन दोनों दोनों को को ये है 3Z, ये है जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा तो X plus X, इसको मैं जोड़ रहा हूं एक्स प्लस थ्री एक्स एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स हो गया ग्यारह और चार पंद्रह वाई हो गया बराबर जीरो माइनस फाइव बाई अच्छा एक्स ला रहे हैं वाई के रूप में X ला रहे हैं वाई के रूप में। y आया था आपको आप, आपने निकाला था एक्स के रूप में कितना माइनस एक्स वाई फाइव यानी सही जा रहे हो अब इसी को इसी को आप रख दो इसमें एक्स के जगह रख दो माइनस फाइव बाई एक्स की जगह रख दो माइनस फाइव तो कितना हो जाएगा तीन गुने माइनस फाइव और प्लस वाई

टू वाई कितना आया छोटे माइनस टू वाई ठीक है और वाई स्क्वायर दस ही आ रहा है छोटे इसी को मान लो सही सही इसी को मान लो सही सही और इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं ये आपका होमवर्क है अच्छा सवाल है आप कर सकते हैं ट्राई और ये वही अल्फा बीटा जो नहीं बोला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अल्फा बीटा लेमडा म्यू निकालने वाला इसी तरीके का तीन सवाल तो आपको 2020 से ही दिख गया तीन सवाल एक ही जगह पे आपको दिख गया सो दैट विल बी ऑल फॉर एंड डिटर्मिनाट आप जितनी बार जब भी आपको समस्या हो आप उसको बार बार वीडियो को देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ये भी तय है चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो मैटरमिनाट हो थ्री डी हो जितना हमने आपको कंटेंट दिया उससे बाहर कुछ भी नहीं आने कुछ भी नहीं बस दिक्कत ये होती है कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये चूंकि आता है तो इसको स्किप कर जाते हैं और उसके चक्कर में क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन फोकस घट जाता है मतलब हम उसको छोड़ देते हैं कि ये आता है उसके चक्कर में जो छोटी छोटी बातें बाद में कॉन्सेप्ट के रूप में आने वाली रहती है वो भी मिस कर जाते हैं क्योंकि तो आपका तो दिमाग था कि आता है ये आता है आता है हकीकत क्या है ये तो आपको भी पता है तो सवाल बनाने के लिए प्रैक्टिस करना है सीरियसनेस रखनी है और इस तरीके से जो भी आपको जरूरत हो जैसे आपने बोला तो ये भी आ गया सबसे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है अभी स्कोरिंग में वेक्टर हो गया थ्री हो गया आपका मैट डिटर्मिनाट हो गया इसको तो एकदम पूरे कमांड कर लो फिर सबसे लास्ट में मैथमेटिकल रीजनिंग सबसे नजदीक में आ, मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग ये सबसे लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल ठीक है और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा अब आगे का ये वन शॉट कंप्लीट है डन एंड दैट दिस इज कंप्लीटेड दिस इज कंप्लीटेड अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का या जिस किसी भी टॉपिक का चाहिए वो बिल्कुल आप हमें बताइए वन शॉट के लिए टॉपिक आपको कमेंट में बताना है कमेंट में बताना है तो आप कोशिश करें आप कोशिश करें ताकि आप अच्छा कर सके ठीक है आपने कोशिश नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है तो हमारे तरफ से बहुत ही कंक्रीट है सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखो ना मैं जब कहता हूं कि इस तरीके के सवाल आते हैं तो उसका प्रमाण यहां से इस सवाल को आप देखिए सेम सवाल आपके पहले आपको यहां पर दिया गया इसी के ठीक पहले एक सवाल दिया गया मतलब हम उन बातों पे चर्चा करते हैं वी विल ऑलवेज डिस्कस एंड टेक द क्लासेज विच आर रियली मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क इन जेई मेन्स ठीक है जब जेई एडवांस की बात होगी उस समय पे हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चंस की बात करेंगे दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन थैंक यू सो मच ट्यून एंड विल गेट बैक टू यू एट 8 पीएम टुनाइट थैंक यू